तो गूगल क्लासरूम आप इसका मैं आपको एक्सेस दे दूंगा लि... ये वॉइस क्यों नहीं आ रही uh, अच्छा ये ऑनलाइन स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं इनको आवाज़ आ रही है ओके okay. okay. मैंने यही बोला कि आवाज़ आ रही है अब ये बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा सो गूगल क्लासरूम ये आपके पास एक बड़ा इफेक्टिव uh, टूल होगा थ्रू आउट द सेशन इसके ऊपर uh, ये जो क्लासरूम क्लासवर्क है इस टैप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वन बाय वन अभी तो ये इस वक्त जो आपको जिस कंडीशन में लग रहा है ये बिल्कुल जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो इस कंडीशन में आ जाएगा अभी ये पोस्टेड नहीं है ये सारे ड्राफ्टेड हैं सो so, जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी यहाँ से ये पोस्ट होते चले जाएंगे इसमें आपको सेक्शन इस वाइज जैसे वर्किंग कैपिटल एक सिलेबस का सेक्शन है सेक्शन वाइज आपको लेक्चर नोट्स इसी पे मिलेंगे इसमें आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड वो भी सी पे एक्सेस होते रहेंगे जो जो आ, आ, क्लास होती जाएगी उसका लेक्चर यहाँ पर आपको अवेलेबल होता चला जाएगा सारे लेक्चर्स पर आपको अवेलेबल होते चले जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहीं पर आपका अवेलेबल होते जाएंगे क्विज़ भी आपका यहीं पर अवेलेबल होता चला जाएगा अ uh, इसमें हमने uh, जो किट के एमसी हैं एम हैं या सीआर हैं उनके वीडियो सोलूशन भी इसके अंदर मौजूद है सो so, भी अगर हमने क्वेश्चन दिए आपको करने के लिए तो आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करके एंड यू कैन गो बैक टू गूगल क्लासरूम टू चेक द वीडियो सॉल्यूशंस तो आप वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं कि जो आपने किए हैं अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहे तो uh, वो उसका वीडियो सोल्यूशन उस पर अवेलेबल होगा वो भी आप इस पर देख सकेंगे uh, सारे लेक्चर इसके अंदर अवेलेबल होंगे बट uh, इसमें मैं लेक्चर जो है ना ये नहीं होगा कि uh, किसी स्टूडेंट का कि वो एबसेंट पे एबसेंट होया जा रहा है और मुझे रिकॉर्डिंग देते जाएं सो वो नहीं होगा क्योंकि देखें आ, मैंने जो पिछला एनालिसिस किया हुआ है ना और जब मैं रिजल्ट देखता हूँ मैं फहीम सिला पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं इसमें ज्यादा तादाद किसकी है तो ज्यादा बड़ी तादाद वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं जो यार रिकॉर्डिंग्स देखते हैं वो उसकी तादाद सबसे ज्यादा होती है एंड uh, उसकी वजह ये प्रॉब्बली है कि uh, या तो वो लेक्चर्स शुरू में नहीं देखते सही रिकॉर्डिंग तो ठीक है मिल जाती है बट वो रिकॉर्डिंग वो देख नहीं रहे होते हैं तो चूंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे होते हैं, फिर आखिर में देखते हैं जब आखिर में जाके देखते हैं तो चीजें ज्यादा होती हैं जब चीजें ज्यादा होती हैं तो फिर ज़्यादा छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे गेस वर्कस करेंगे और फिर एंड में पेपर चला जाता है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वही होते हैं uh, जो मैंने एनालिसिस किया है वैसे अभी जो मैंने चेक किया था जो जो रेगुलर फेस टू फेस क्लासेस के अंदर आ रहे थे उनका रिजल्ट मोर देन एटी था ये जो सिक्सटी वन परसेंट पे भी था ये ज्यादातर uh, जो रिकॉर्डिंग्स के ऊपर रिलाय uh, कर रहे होते हैं उनका रिजल्ट था और देखिए एक आध दफा आपकी क्लास में सोती है इट्स ओके ठीक है हो जाता है कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है एक आध क्लास चली जाती है उसके लिए बैकअप प्लान रिकॉर्डिंग हो गया बट इफ इफ यू कीप रिकॉर्डिंग और इवन देखिए किसी के पास यहाँ क्लास में आने का ऑप्शन ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल वो शहर से ही बाहर है अब वो तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है जनवन बट अगर किसी के पास कराची में बैठ के यहाँ आने का ऑप्शन है और वो नहीं आता तो वो अपने साथ ज़्यादा बड़ा जुल्म करता है वो ज़्यादा बड़ा जुल्म ये है कि फेस फेस क्लासेस के का एक फायदा सिर्फ ये नहीं है कि आपने पढ़ना है वो तो ठीक है आप चलो आप, आपको लगता होगा आप घर पर भी पढ़ लोगे दर आर मेनी अदर बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग क्लासेस एक आपकी जब आप आप जब कॉलेज आते हैं क्लास लेते हैं तो आपका नेटवर्क बनता है और यही नेटवर्क आगे जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज देकर आएगा एंड दैट नेटवर्क नॉट ओनली इंक्लूड्स योर या क्लासमेट्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स टीचर्स एंड द मैनेजमेंट सो वेन यू आर इंटरेक्टिंग विद टीचर आपको वो जानते होते हैं फेस टू फेस जानते होते हैं तो उन, अगर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है एंड अगर आपको वो जानते होंगे तो दे कैन रेफर यू तो वो एक अलग बेनिफिट है दूसरा ये है कि जब आप क्लास में आते हो तो यू हैव टू मेक श्योर यार टाइम पे पहुंचना है यू हैव टू मेक श्योर के यार क्लास में अगर दिल नहीं भी कर रहा सही से बैठने का तो सही से बैठना है खामोश होके बैठना है डिसप्लिन बैठना है यही चीजें आगे आपको आप, आपके लाजमी आपका आप, आप, आपके लिए जरूरी है ये घर से नहीं घर पे नहीं होता घर पर आदत नहीं डलती है और फिर अचानक से खुद को बदलना भी मुश्किल काम होता है थर्ड इट इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स योर कॉन्फिडेंस ये इसको भी इंप्रूव करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करता है सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग क्लासेस सो मेक श्योर कि अगर आपके पास ये ऑप्शन है आप शहर में हो कराची में हो और आप क्लास ले सकते हो तो फिर आप सिर्फ अपनी आसानी देखकर फैसला ना किया करें डोंट लुक एट कंफर्ट जोन के यार आपका कंफर्ट जोन ही है कि आप घर से बैठ के क्लास ले लो मजबूरी एक और चीज है अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो फिर पढ़ भी नहीं सकोगे आप कहते हो यहाँ नहीं आ सकता या नहीं आ सकती हूँ तो ये इतना बड़ा सिलेबस तो आप कैसे पढ़ोगे उसके लिए भी तो एफर्ट करनी है और जो अगर आप जो सिलेबस के लिए आपने एफर्ट करनी है उसको आप इस इस ट्रैवलिंग के साथ कंपेयर करो तो ट्रैवलिंग कुछ भी नहीं है जो सिलेबस के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको सो so, ये नहीं कर सकते तो फिर वो भी गया देखा है कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं देखते लोग भी वही देखता है जो क्लास लेता है तो रिकॉर्डिंग भी फिर वही देख रहा होता है सो मेक श्योर दैट यू कम टू द क्लास और uh, इनशाला जो क्लास आपकी मिस हुआ करेगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाए करेगी बट मेजोरिटी क्लासेस आपने लेनी है अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट वट वी हैव we are doing in this session is we have prepared a performance evaluation report. whether we will be preparing a performance evaluation report and that's how it will look like I make performance evaluation report Uh, ये आपके सामने है ये हर सिलेबस सेक्शन की और हर स्टूडेंट की रिपोर्ट बनेगी जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज अटेंडेंस होगी सो दैट वी कैन रिलेट कि अगर आपने किसी टॉपिक के अंदर क्विज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या उसके रीजन क्लास ना लेना तो नहीं है तो हमारे पास ट्रैक होगा कि अगर आपके किसी क्विज में मार्क्स नहीं आए हैं तो क्या आप उस क्विज में प्रेजेंट भी थे उस टॉपिक में प्रेजेंट भी थे या नहीं थे सो so, आपकी रेगुलर अटेंडेंस हो रही होगी टॉपिक वाइज आपको रेगुलर असाइनमेंट्स मिलेंगे लाइक प्रिपेयर्ड दिस चार्ट ये डे वाइज पूरा हमारा एंड तक लास्ट क्लास तक का सारा शेड्यूल बना हुआ है कि किस क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे किस डेट पर हम कौन सा टॉपिक सेशन में कवर करेंगे कब मॉक होगा और कब उसका रिजल्ट आएगा और कब उसकी रिव्यू क्लास होगी सो so, ये टॉपिक वाइज पूरा शेड्यूल बना हुआ है uh, मेरा टारगेट इंशाल्लाह है अगर बीच में एक क्लास तो आगे पीछे हो सकती है सो so, थर्टीन 13, uh, 13 नहीं इलेवेंथ ऑफ फैब ताकि को तक मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि 11th फेब तक मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूं ये मैं मजाक कर रहा था वो सीरियस नहीं लेना तो 11th फेब तक आपका कोर्स इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीटेड होगा और बीच में आप देख रहे होंगे मैंने एक दिन स्किप किया हुआ है जी तो ये नहीं इस दिन, दिन मैं आपको सेरो पे ही भेजूंगा तो एलेवन तक इन हमारा कोर्स कंप्लीट uh, हो जाएगा दैन वी सेशंस एक सेशन एफएम एम फंक्शन इन्वायरमेंट में बताऊंगा अभी थोड़ा सा एक है उसका प्रैक्टिस सेशन होगा और फिर एक दिन जो है वो सिर्फ मिसलिनियस टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसी टर्म्स एफ नाइन के अंदर है जो मैं एंड में फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा डेफिनेशन की हद तक है तो अगर वो मैं शुरू में कर भी लूँगा तो आखिर में आप भुले हुए होंगे तो इसलिए उसको मैंने आखिर में के लिए रखा हुआ है बेसिक कुछ टर्म्स हैं जिनकी एम सी क्यू एम सी क्यू वगैरह जो है ना उसकी उसकी डेफिनेशन वगैरह आ जाती है और ये असाइनमेंट्स हैं सारे टोटल uh, असाइनमेंट्स हैं और ये मैंडेटरी हैं करना तो आफ्टर एवरी क्लास यू विल गेट एन असाइनमेंट जो कि आपको गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल हो जाए करेगा uh, So, ये पूरी पूरा आपका शेड्यूल है फिर मैं ये आपके साथ शेयर भी कर लूंगा असाइनमेंट्स uh, आपके पास असाइनमेंट्स का एक नीचे ये सो so, असाइनमेंट का अलग सेक्शन होगा यहाँ पर आपको असाइनमेंट अवेलेबल हो जाएंगे और यू डोंट हैव टू सर्च हम ही जैसे ही हम पोस्ट करेंगे असाइनमेंट तो वो असाइनमेंट की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी गूगल क्लासरूम का की एप्लीकेशन जो है वो ऐप स्टोर के ऊपर भी है और प्ले स्टोर के ऊपर भी है तो वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जैसे ही कोई यहाँ से असाइनमेंट या कोई भी लेक्चर अपलोड होगा या कोई भी हैंड आउट अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपको सर्च कर, सर्च बेसिकली आप तब करोगे जब बाद में कभी आपको देखना होगा वरना तो आ, जैसे जैसे अवेलेबल होगा आपके पास नोटिफिकेशन भी आती जाएगी और आपके स्ट्रीम के ऊपर भी आती जाएगी यहां पर और जो असाइनमेंट होगा वो भी असाइनमेंट वाले पे आप क्लिक करके आप वहां पर असाइनमेंट सबमिट करवाओगे वहीं पर आपको बहुत ऑप्शन आ जाए करेगा कि असाइनमेंट आपने कैसे सबमिट uh, करवाना है असाइनमेंट uh, आपके चेक होंगे और असाइनमेंट के ऊपर आपको फीडबैक भी मिलेगा और आई हैव सीन दैट ये जो असाइनमेंट्स होते हैं ये सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं पास होने में ये सबसे ज्यादा क्योंकि इससे फायदा ये होता है कि आप रेगुलर फीडबैक मिल रहा होता है और आपको पता चल रहा होता है कि यार जो आपने लेक्चर लिया है जब वो असाइनमेंट में ट्रांसलेट करोगे असाइनमेंट बेसिकली होंगे क्या कर एग्जाम टाइप के होंगे जो हमें लगता है एग्जाम में आते हैं और आप वहां नहीं परफॉर्म कर पाते वही आप आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे होंगे तो जब आप वो कर रहे होंगे तो आपको रेगुलरली आपको पता चल रहा होगा कि आर यू ऑन ट्रैक क्या आप ट्रैक पे चल रहे हो क्या जो आपको क्लास में पढ़ाया गया उसका सवाल अगर आ जाए तो क्या आप इस पोजिशन में हो क्या आप वो कर सको तो वो रेगुलरली जो है वो आपको फीडबैक मिलता चला जाएगा और जहां प्रॉब्लम होगी आप डिस्कस कर रहे हो ऑब्वियसली जब आप करके आओगे तो अगली क्लास में आप मुझसे पूछोगे कि सर ये असाइनमेंट हम कर रहे थे उसमें तो ये प्रॉब्लम आई थी ये हमसे नहीं हो पाया था तो तो आप एक एक फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन के थ्रू आप अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको दूर करते रहोगे सो तो ऐसा नहीं होगा कि एंड में जाकर आपको सारी चीजें पता चल रही हो अरे ये तो ये नहीं हुआ हुआ ये भी नहीं हुआ हुआ है मैं तो इसमें मेरा ये भी वीक है है और uh, the, मैं आपको एक आ, एक अच्छी और एक बुरी चीज एफ नाइन की बताता हूं जो मैं हर सेशन में बताता हूँ बात वाकई होती भी ऐसा वो ये है कि इट्स टू इजी टू पास एफ नाइन इन फर्स्ट अटेम्प्ट इट्स टू इजी टू पास एफ नाइन इन फर्स्ट अटेम्प्ट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पास इन द सेकेंड अटेम्प्ट आप पूछ लीजिएगा पहली बार में पास करना आसान है बहुत आसान है यू विल फाइंड इट द मोस्ट ईजीएसट पेपर ऑफ स्किल्स अलॉन्ग विद एफ सेवन सही है तो आपको एफ सेवन की तरह ही आसान लगेगा पहली अटेम्प्ट में पास करना बट खुदा ना खास था आपकी दूसरी अटेम्प्ट हो गई तो इतना ही मुश्किल हो जैसे अभी चेयर मिलना मुश्किल है सेकेंड तो अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल पेपर है सो इट्स द वर्स्ट आइडिया टू क्लियर इट इन द सेकेंड अटैम्प्टो हाँ वो हर पेपर में सही ही कह रहे हैं आप हर पेपर में भी है लेकिन एफ नाइन में सबसे ज्यादा है इफ यू लुक एट एफ नाइन इसमें सबसे ज्यादा है आप 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 एक काम कीजिएगा ना आप किसी का अगर एफ नाइन पेपर खुदा खास सर होगा वो, वो पहले बताएगा नहीं पहले बताएगा नहीं लेकिन अगर वो बता दे तो फिर उससे पूछना कितने अटेम्प हो गए दो या तीन कितने हो गए तो वो हाँ हाँ बताएगा नहीं ये वो अलग बात है अगर मिल जाए किस्मत से कोई ऐसा तो उससे पूछ लीजिएगा तो वो आपको अटेस्ट करेगा ये बात उसने सारे पेपर्स दिए होंगे और वो इस वाले पेपर के बारे में ये बात करेगा एंड एफ गॉट सो मैनी मुझे कितने कितने मैसेजेस भी आ रहे होते हैं सर दो दफ़ा दे चुके हैं तीन दफ़ा दे चुके अब बताएं क्या करें तो क्यों ऐसा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ जब आप पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हो न? तो पहली दफ़ा पढ़ने की मोटिवेशन अलग होती है दूसरी दफ़ा पढ़ने की मोटिवेशन डिफरेंट होती है पहली दफ़ा खुशफहमी कम होती है दूसरी दफ़ा खुशफहमी बहुत ज़्यादा होती है कि मैं ऐसे 48 दो मार्क्स से रुका हूं तो वो दो मार्क्स के हिसाब से दोबारा पढ़ता है कि भाई ये दो मार्क्स के लिए मुझे पढ़ना है अब अब वो ये नहीं देखता कि उसके 48 और 50 का गैप नहीं है भाई उसका 148 का गैप है 52 छोड़े हैं उसने और अगली दफा अगले ने पेपर ही पूरा 52 से ही बना दिया सो so आपका 52 मार्क्स जो आपके गलत हुए थे वही वाले टॉपिक्स उसने 100 मार्क्स का पेपर उसी में से बना के दे दिया तो फिर तो 48 तो गए साइड पे हो गए अब दो आएंगे ना हाँ फिर पचास आएंगे तो तो वो ये जो खुश फहमी होती है कि हमें आता है और इसकी वजह से वो पढ़ते भी आखिर में और जब वो आखिर में पढ़ते हैं तो फिर वही गलतियां फिर दोहराते हैं जो पहले की होती हैं तो उसकी वजह से पेपर में प्रॉब्लम होती है और दूसरा के सेकंड अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चंस जो है ना वो नए कम मिलते हैं और जो ट्रू फीडबैक आपको मिलता है कि आप किधर खड़े हो तैयारी में वो नया क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलता है पुराने किए हुए सवाल को दोबारा करने से नहीं पता चलता उससे रिकॉल हो जाएगा बट कभी भी वो सवाल एक इंडिकेटर नहीं हो सकता आपकी तैयारी का बिकॉज इन द एग्जाम यू विल बी सॉल्विंग एन अनसीन क्वेश्चन सो अनसीन क्वेश्चन और हर सवाल में हर पॉइंट जो है वो ट्रिकी नहीं होता वो दो तीन पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें आप फंस जाते हो या दो पॉइंट या एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें आप फंस जाओगे इसका क्या मतलब है और उसकी वजह से पूरा सवाल अटक जाता है अब दोबारा जो जो सब जो सवाल आप करोगे वो वाली पॉइंट तो आपके दिमाग से गुजरा होगा ना तो आप रुकोगे नहीं उस जगह पे आप उस जगह पे रुकोगे नहीं आपको लगेगा शायद यार आप तो ये सवाल ऑलमोस्ट भूले हुए हो ठीक है जिसकी वजह से ये रुकता है वो याद रह रहा होगा उसकी वजह से वापस क्लिक हो जाएगा क्या अच्छा ये करना था लेकिन अब बाकी चीजें अब आपको नहीं फील हो रही होंगी तो भाई वो जो फील नहीं हो रही है वो है ही नहीं पॉइंट असल पॉइंट तो वो था जिसमें पहली दफा रुके थे वो तो आप रुकोगे नहीं उसके ऊपर और सवाल में अगर पूरा सवाल भी आता हो लेकिन आप कहते यार ये वाली बात पता चल जाए तो मेरा पूरा सवाल हो जाएगा तो और वही वाली बात नहीं पता चल रही हो तो फिर बाकी सब बेकार हो गया ना तो दैट्स वाई अनसीन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो दोबारा करने में अनसीन क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम हो जाती है बहुत सीन oh, क्वेश्चंस ही होते हैं जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है सो हैविंग सेड दिस कोशिश कि आपको दोबारा ना बैठना पड़े इस पेपर में अब दोबारा कौन लोग बैठते हैं वो भी बता देता हूं नंबर वन नंबर वन जो क्लासेस स्किप करते हैं मैंने बहुत कम रेगुलर स्टूडेंट्स को फेल होते हुए देखा इस पेपर में दोस्त आर रेगुलर इन पंक्चुअल मैंने हार्डली देखा है उनको फेल होते हुए पहला दूसरा जो साथ-साथ सॉल्व -साथ नहीं कर रहे होते किड्स वगैरह प्रैक्टिस साथ-साथ नहीं कर रहे होते उनको सब कुछ आखिर में पता चलता है फिर टाइम नहीं होता वो जब फंसते हैं किसी जगह पे अब दो-तीन मसले आ जाते हैं जिस पॉइंट पर वो फंसते हैं किसी टॉपिक में उस टाइम पर उनको उस टॉपिक को बेहतर करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो नहीं अवेलेबल होता नंबर 1 नंबर 2 उस पॉइंट पर जो टीचर से असिस्टेंस मिल सकती है वो भी उस तरह नहीं मिल रही होती है क्योंकि कोर्स खत्म हो चुका होता है क्लासेस नहीं हो रही होती हैं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और पेपर को पास करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस वो जब आप पेपर से कुछ अरसे पहले किसी टॉपिक में फंसोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका चला गया लिहाजा जो साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनको साथ साथ अपनी वीकनेस का पता चल रहा होता है और उनका कॉन्फिडेंस खराब इसलिए नहीं होता उनको पता है बहुत टाइम रहता है एक ही टॉपिक में तो मसला आया है, मैं पूछ सो so, जिस टॉपिक में मसला आया वो कम है और उसको हल करने के लिए जो टाइम है वो ज्यादा है और प्लस यू हैव सपोर्ट ऑफ द टीचर यू हैव क्लासेस एंड यू कैन ऑलवेज आस्क इन क्लास तो इसलिए उसके लिए हमने यह हल ये निकाला हुआ है जो मैंने अभी आपको परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट बना दिखाई है इट हैज अटेंडेंस इट हैज असाइनमेंट इट हैज क्विज़ सो हर सिलेबस सेक्शन के एंड पर यह रिपोर्ट आप में से हर स्टूडेंट की होगी कौन कौन से टॉपिक में प्रेजेंट था कौन से में एबसेंट था और जो असाइनमेंट उसको दिए गए उसमें उसकी परसेंटेज क्या थी अटेंडेंस की, की overall, जो उस के पर उसकी परसेंटेज एंड योर ओवरऑल सेक्शन परफॉर्मेंस इसमें आई इसमें मैंने ये नहीं किया कि तीनों कैटेगरीज को टोटल करके डिवाइड बाय थ्री कर दिया ज और वेटेज मैंने कैसे असाइन की हुई है ये जो कैटेगरी होगी इसको ट्वेंटी फाइव परसेंट वेटेज दी हुई है इसको ट्वेंटी फाइव परसेंट दी हुई है एंड फिफ्टी परसेंट वेटेज मैंने क्विज को दी हुई है एंड बेस्ड ऑन माइ एक्सपीरियंस ये जो आपका ओवरऑल आएगा ना आपका फाइनल एग्जाम का स्कोर भी इसके आस पास ही होगा उसके आस पास ही होगा अनलेस अनटिल वो आखिरी दिन जो है ना वो आप ड्रामेटिक कुछ और कर लो सही है वो अलग बात है लेकिन इफ यू विल कंटिन्यू जैसे यहां पर चल रहा होगा तो यू विल एंड अप विद द द सेम स्कोर इन फाइनल एग्जाम एज वेल इसके इसके मुकाबले में चार पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकेगा वेरिएशन आएगी बट बाय लार्ज यही वाला आपका स्कोर होगा तो ये तो फिर सिर्फ ये सिर्फ सेक्शन का है राइट ऐसी ही एक शीट आपको फाइनल जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल स्कोर भी आपको पता चल जाएगा कि अब आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके एफ नाइन के कोर्स में क्या होने वाला वो एक्सपेक्टेड वाले भी आपको आखिर में दिख जाएंगे uh, इससे इस आपका टारगेट होना चाहिए क्या आपने इस परफॉर्मेंस इवाल रिपोर्ट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है जो आप चाहते हो कि आपके फाइनल स्कोर आए वो, वो यहां दिखना चाहिए आपको रिपोर्ट में और ये हो नहीं सकता क्योंकि ये पूरा एवरेज है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहां पर परफॉर्म ना करो थ्रू आउट और आखिर में जाकर जो है ना वो एक ड्रामेटिक चेंज ले आओ अपने मार्क्स में नहीं हो सकेगा पॉसिबिलिटी नहीं होगी इसकी बहुत मतलब ना होने के बराबर होगी तो तो जो आप यहां पर कर रहे होंगे तकरीबन आपको वो रिफ्लेक्शन वहां पर नजर आएगी क्योंकि हम जो असाइनमेंट्स बना रहे हैं हम जो क्विज बना रहे हैं हम जो नोट्स बना रहे हैं और जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो सारा के सारा जो एग्जाम में आता रहा है और जो स्टूडेंट गलतियां करते रहे हैं और जिन चीजों में स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती रही है उसी को बेस बना के कर रहे हैं उसी को सामने रख के कर रहे हैं तो आपको मैम मैं सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि लास्ट सेशन में आई वॉज एक्सपेक्टिंग वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू स्कोर हाईस्ट ना तो उसी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एंड वो और जिसने पाकिस्तान हाईएस्ट लिया उसमें दो मार्क्स का फर्क था 88 एंड 90 का जी फिलहाल तो वो उसी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एंड वही रिजल्ट आया दो मार्क्स का डिफरेंस था, था वो डायरेक्ट लक का भी रोल प्ले करता है सो इफ इट ओनली टू मार्क्स सो चूंकि उसके साथ मेरा इंट्रैक्शन ज्यादा था ही वाज माय असिस्टेंट टीचर एज वेल इन द सेम सेशन वो खुद पढ़ भी रहा था और मुझे असिस्ट भी कर रहा था तो इंटरेक्शन ज्यादा था तो जब इंटरेक्शन हो रहा था डिस्कशन हो रही थी तो मुझे आइडिया हो रहा होता था, था कि वो किस डायरेक्शन में तो अब उसी को एज अ सैंपल केस बना के हम मैंने यहाँ पर भी जो है वो आ, कुछ दो तीन चीजें करनी है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको आ, तो उसको सामने रखकर फिर हमने ये सारा कुछ बनाया हुआ है कि वही काम जो उस, उस वो करता था वो अब हम सबसे सबसे करवाएंगे तो वो क्यों अच्छा स्कोर लेकर आ रहा था क्योंकि वो उसकी एक मजबूरी भी वैसे भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन उसकी वैसे भी मजबूरी थी उसको पढ़ना था क्योंकि उसने मुझे असिस्ट करना था तो वो रेगुलरली अपना काम स्टूडेंट्स की वजह से भी कर, करता था जिसकी वजह से उसकी अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही थी तो मुझे पता था वो ये सारे काम करके दे रहा है ये असाइनमेंट्स वो अगर बना के देता था तो पहले खुद भी करता था तो ही वॉज गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट जिसकी वजह से इसका माशाल्लाह रिजल्ट बड़ा अच्छा है तो ये इनशाला हम सारे स्टूडेंट्स से अब इस दफा करवाएंगे अच्छा मैंने एक आ, एक और चीज भी की है वो ये है कि सेशन उसकी फिफ्टी परसेंट एग्जाम फीस मैं दूंगा हाँ बात तो जो भी फिफ्टी परसेंट होगी तो जिसका ऑलरेडी फिफ्टी परसेंट है तो बाकी फिफ्टी परसेंट उसको मिल जाए तो जो भी हाइएस्ट आएगा यहाँ पर आ, उसकी उसकी फिफ्टी परसेंट एग्जाम फीस मेरे ऊपर है वो मैं दूंगा हंड्रेड परसेंट क्यों नहीं हंड्रेड परसेंट क्यों नहीं हाँ पैसे नहीं लगेंगे फिर वो तो कदर नहीं आएगी ना उसकी तो हाँ सही अच्छा मेरे बच जाएंगे वो भी मेरे वादे वाले पैसे भी बच जाएंगे इंशाल्लाह ये 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 उसका फेलियर नहीं होगा ये मेरा फेलियर होगा उसके तो मुझे हंड्रेड परसेंट देने चाहिए फिर तो ऐसा हो नहीं सकता कि कि वो यहां परफॉर्म करे वहां ना परफॉर्म करे मतलब दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ एवरेजेस का लॉ ऑफ ये कहता है कि जो आप करते आए हो आप नॉर्मली वही करते हो जैसा परफॉर्म करते हैं वैसे ही नॉर्मली परफॉर्म करते हो आई एनी सिंगल पर्सन जो कि मैट्रिक में टॉपर रहा और इंटरमीडिएट में फेल हो गया हो यू नो पर्सन टॉपर और पे फेल हो गया और कुछ भी नहीं हुआ हा? कौन अच्छा पता नहीं आ, मैं, मैं मैं मेरे पास सिंगल एग्जांपल ऐसी नहीं है कि जो मैट्रिक में फर्स्ट आया और बीच में दो साल में कुछ भी नहीं हुआ हो मतलब बीच में दो साल में खुदा ना खासा कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है कुछ हो जाता है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाता ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसने खुद ही पढ़ना छोड़ दिया तो या नशे का आदि हो गया होगा तो अलग बात है या किसी और चक्कर में पड़ गया होगा तो अलग बात है बट ऐसा नहीं होता कि आप मैट्रिक तक टॉपर रहे हो और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बिल्कुल फेल ही हो जाता है ऐसा नॉर्मली नहीं होता जी और नहीं नहीं एग्जाम एग्जाम एग्जामिनेशन फीस का फिफ्टी एग्जामिनेशन हाँ, फीस का फिफ्टी परसेंट ज्यादा वही है ना हाँ तो मुझे पता है हाँ हाँ जो भी फीस जो भी फीस होगी जो भी फीस होगी वो जो जिस दिन लास्ट डेट होती है ना एग्जाम पे करने की फीस उस डेट के रेट जो होगा उसके हिसाब से होगी बस जो भी वो रेट होगा अल्लाह के रसूल इन पॉइंट मौजूद हो पाकिस्तान में अच्छा आ, अच्छा इसके अलावा मैं आ, मेरे मेरे प्लान में तीन वर्कशॉप्स हैं दो तो ऑलरेडी तकरीबन अलैंड हो चुकी हैं एक इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर मैं वर्कशॉप करवा रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है एंड वो जो इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर जो वर्कशॉप होगी वो मिजान बैंक से आ, जो उनके ट्रेनर हैं इस्लामिक फाइनेंस के ही विल बी है इन द मंथ ऑफ जनवरी वो इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे तो एक दूसरा मेरा प्लान है स्टॉक एक्सचेंज का एक सेशन स्टॉक uh, एक्सचेंज के ऊपर व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग वहां पर कैसे होती है क्योंकि आपके कोर्स के अंदर बिजनेस वैल्यूएशन वगैरह का एक सेक्शन है सिलेबस के अंदर जो कि वैल्यूएशन के ऊपर है शेयर्स की वैल्यूएशन के ऊपर है उसके ऊपर है तो यू विल गेट अ प्रैक्टिकल इनसाइट फ्रॉम दैट वर्कशॉप एज वेल दो और तीसरा जो है मेरा प्लान यह है कि मैं uh, एक वर्कशॉप ऐसी कराऊँ जिसके जिसके अंदर आपको पर्सनैलिटी uh, ग्रूमिंग के ऊपर सेशन हो जिस जो कि अगर आप कल को इंटरव्यू के लिए जाते हो और या जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको एक इंटरव्यूअर और फिर उसके बाद जॉब पर व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू सो उसमें मेरा प्लान यह है कि मैं बिग फोर में से किसी को बुलाऊं और वहाँ से मेरी बात भी हो चुकी है बस जस्ट फाइनलाइज करें इनशाला वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स में से ही कोई इनशाला आएगा जो कि वो बताएंगे कि यार उनको जब इंटरव्यू होता है तो उनको क्या कैंडिडेट से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं किस तरह के कैंडिडेट्स आ रहे होते हैं क्या गलतियां कर रहे होते हैं वो तो वो उसके ऊपर भी सेशन तो तीन तो ये हैं एक और कोशिश करूंगा चौथा सेशन भी मैं अरेंज कराऊं ये ऐसे हों जो आपको एफ नाइन में भी हेल्प आउट कर रहे हो एफ नाइन के बाद जब आप किसी जगह अप्लाई करने जाओ तो वहां पर भी, भी आपको हेल्प आउट कर रहे हो तो वो से चार सेशन या तीन सेशन एटलीस्ट तो होंगे होंगे चौथा सेशन भी इन होगा और वो फेस टू फेस होंगे ऑनलाइन नहीं होगा सो जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनसे uh, अब एक छोटा सा आप लोगों से quick, आपका इंट्रोडक्शन हो जाए कि आप लोगों ने पेपर स्किल्स के कौन से दिए हैं और फिर आई एल मूव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट दिस पेपर फॉर्मेट इट्स नॉट दैट डिफरेंट अगर आपने इससे पहले एफ फाइव का पेपर किसी ने दिया हो या एफ सेवन का पेपर दिया हो तो सेवन पेपर जिस तरह का फॉर्मेट में आता है एग्जैक्टली exactly वही फॉर्मेट है ये। इट्स बिट तो सिक्स का भी सेम होता है, का है. के अंदर दो सेक्शन huh? ah, तो है हाँ हाँ तो वही मैंने मैंने देखा नहीं है एफ एड का तो मुझे पता है कि डिफरेंट है सो so, सेवन और फाइव का जो फॉर्मेट है वही एफ uh, नाइन का भी पेपर फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट है अच्छा सो so मैं क्विकली मुझे नाम और क्विकली पेपर जो अब तक स्किल्स के आपने अगर कोई दिए हैं तो वो बता नहीं अगर पहला ही पेपर एफ नाइन है तो वो भी समीर जी एफ सेवन और एफ सिक्स दे दिए एंड एन एफ नाइन है नाइन भी दे दिया नाइन नहीं दिया wow, मैं अभी आपको बताने वाला था एक और आगे है वो एफ नाइन जिसने दे दिया जी ठीक है जी ये हो गए तो नाइन रह गए सिर्फ फाइव सेवन सिक्स फोर एट एंड एन नाइन फोर सेवन दे दिया नाइन फाइव सिक्स सेवन दे दिया फोर एंड सेवन दे दिया नाइन और एट रहता है so हाँ सिक्स सब दे दिया माशाइन पेपर देना और अब एफ नाइन एफ नाइन रहता है दे वो okay. बताने की जरूरत नहीं है हाँ, mm -hmm. इतनी इतनी ईमानदारी mm -hmm. नहीं दिखाओ कोई मस्ला नहीं वो फाइव सिक्स सेवन हो गया। Four six seven okay, four five seven okay, Five five uh six and seven okay, six seven. Six, seven. six seven six and खुद ही दिए थे ना four five six seven Four seven six, four seven, six seven, six seven. Last skills card. Four five six seven, five six, five six seven, seven. Okay. Five and seven. Four six seven. Four seven. Last. F seven. फाइव सिक्स सेवन दे दिया है अच्छा ये ऑनलाइन uh, वाले भी ऑनलाइन वाले भी बता दें आप लोगों ने स्किल्स के अब तक तो कौन से पेपर्स दे दिए हैं Okay, thank you. तो पेपर 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 फॉर्मेट सेक्शन ए सेक्शन ए 15 ओ uh, हैं यानी एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हैं और ये एरिया 30 मार्क्स का है टू मार्क्स इच जो आप लोग करके आया हो ये इसका इंटरफेस है जिससे आप जितने मैंने पेपर पूछे तो ऑलमोस्ट हर बंदे ने ये वाला फॉर्मेट कर ही लिया राइट सो नो वन हैज दिस फॉर्मेट फॉर द फर्स्ट टाइम सो ये भी आपको पता है फ्लैग का ऑप्शन ठीक है सो so, uh, बाद में रिव्यू करने के लिए तो so, ये भी आपको पता है नेविगेटर का वो भी पता होगा आपको ऑन द नेविगेटर तो यू विल गेट दिस ंडो अप इसमें आपको पता चल जाएगा आपने कौन से क्वेश्चंस को फ्लैग किया हुआ है uh, कौन सा प्लीज uh, मैं माजरत एक एक मैं बता नहीं पाया था एक रीजन फेलियर का वो ये भी है वो मैं भूल गया था तो दोबारा याद ना दिलाएं मुझे मुझे uh, ये नेविगेटर आपको पता है इसमें आपको स्टेटस पता चल रहा है किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करते हैं तो विल फाइंड आउट कि आपने कौन से क्वेश्चंस जो है अभी तक सिरे से देखे ही नहीं और कौन से ऐसे हैं जो देख लिए लेकिन आपने किसी ऑप्शन पर क्लिक नहीं किया इनकम्प्लीट का मतलब ये है और कौन सा ऐसा है जिसको आपने फ्लैग कर दिया सो आई ऑलवेज कोई सवाल जो एमसीक्यू का होता है ना अगर वो आपको नहीं आता आपको नहीं आता और आपने कहा मैं बाद में करूंगा तो इन पिन सेप्टिव पिन इन पिन आउट करके एक ऑप्शन के ऊपर लगा दे जो आपको सबसे ऑप्शन अच्छा लग रहा है ना जी बॉक्स में नहीं होता ना सब में नहीं होता ना? नहीं नहीं सब में नहीं होता ना जिसमें है ऑब्वियसली के जिसमें आपके पास है ऑब्वियसली आप अपने ऑप्शन तो क्रिएट करके कर नहीं सकते हो तो इतनी तो मुझे पता है आप एफ नाइन तक पहुंचे हो तो मेहनत करके पहुंचे हो तो आप जिसमें आपके पास ये ऑप्शन होगा चार उसमें से छोड़ नहीं दिया करो क्योंकि हो सकता है आखिर में आपको टाइम ना मिले तो तुक्के लगाने का भी टाइम आपको नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए एटलीस्ट किसी ना किसी ऑप्शन पे टिक करके फ्लैग कर दिया करो तो जब आप उस पर टिक करके फ्लैग कर दोगे तो आपको पता होगा आखिर में कि यार ये वाला ऑप्शन था जिसको दोबारा एक दफा आपने देखना है तो टाइम मिला तो दिस फ्लैग थिंग डज नॉट गो टू द एग्जामिनर ये एग्जामिनर को पास नहीं जाता कि यार अच्छा इसने तो क्या लगाया था यहाँ पर तो इसीलिए फ्लैग किया था तो उसके पास नहीं जाता उसके पास ऑप्शन आंसर आपका चला गया अब सही हो गया मार्क्स मिल जाएंगे नहीं हुआ तो फिर वैसे भी नहीं था लेकिन एटलीस्ट हो सकता है ये दो मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना आखिर में सही है तो फोर्टी एट वालों से पूछो कि इसकी कदर क्या है तो इसलिए आप टिक क्लिक कर दिया करें जो आपको रीजनेबल नजर आता है उस पर टिक कर दिया करें फ्लैग कर लिया करें और आखिर में फिर इसको रिव्यू कर लिया करें और ये नेविगेटर वाला जो फीचर है ये लाजमी यूज किया करें क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपने यार क्लिक कर दिया था और आप आगे चले गए राइट और आपके हिसाब से आप टिक क्लिक कर चुके हो उसको अटेम्प्ट कर चुके हो और बाद में पता चलता है कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया था क्लिक कर रहे थे लेकिन क्लिक हुआ नहीं था आपको लगा था हो गया और आप आगे निकल गए राइट right? तो आपको यहां से पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको जो अभी तक इनकम्प्लीट या अनसीन है और कभी कभार ये भी हो सकता है कि आप एक दफा क्लिक करो दो दफा हो जाए आपको पता नहीं चले और स्किप होके एक और क्वेश्चन पे चला जाए और आपको पता ही ना चले आखिर तक कि आपने कोई क्वेश्चन बीच में स्किप कर दिया है so सो इसलिए नेविगेटर वाला लाजमी यूज किया सो करेंड इस क्वेश्चन पे भी आप क्लिक करोगे वो क्वेश्चन खुल जाएगा देन यू हैव आपके जो वो है तीन आपके पास एम टी क्यूज आएंगे ऑफ टेन मार्क्स अभी आता हूँ ये इन दोनों का कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं ए और बी पूरे सिलेबस में से कहीं से आ सकता है जो सी आर क्यू है उसमें है सीआर क्यू जो है उसमें डिफाइन किया हुआ है कि किस सेक्शन ऑफ द सिलेबस से सीआर क्यू आ सकता है बट फॉर एम सी क्यूज एंड एम टी क्यूज देर इज नो स्पेसिफिक एरिया वो पूरे सिलेबस को कवर करता है अच्छा वैसे भी आई डोंट गेट इन टू दिस थिंग हमने इसमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे एक टॉपिक आता है एमसीक्यू बना के पूछते सीआर क्यू बना के पूछते तो पढ़ना ही है तो लिमिटेड होगी क्यों पढ़ू क्योंकि उसमें कोई इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको तो एमसीक्यू हो या एमटी हो पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ने में कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं आता है हाँ उसको उसकी अटेम्प्ट करने वाली अप्रोच डिफरेंट हो जाती है बस उसको समझने की अप्रोच डिफरेंट हो जाती है एमसीक्यू की और सीआरक्यू की अदरवाइज पढ़ने के लिए कोई डिफरेंस नहीं है सो so, इसलिए हम कोई बाउंड्री लगाएंगे नहीं कि अरे अच्छा ये वाला एरिया तो सीआरक्यू में आता नहीं है तो आता हो नहीं आता हो हमने करना है उसको प्रॉपर हमने कोई चीज एग्जाम देखो एग्जामिनर के लिए पूछना जो है वो मुश्किल काम नहीं है वो घुमा के वो टॉपिक भी पूछ लेगा और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकोगे ठीक है तो वो सीआरक्यू में वो वाला एरिया भी पूछ लेगा, लेकिन वो ऐसे पूछेगा आप, आप चैलेंज भी नहीं कर सकोगे वो इस तरह घुमा के, के अंदर उसको ऐसे इंक्लूड कर देगा टॉपिक का है तो वो वो कर सकता है वो चीज और मैं आपको बताऊंगा अभी ये देखें ये वाला वहां पर इंक्लूडेड है लेकिन यहां पर ऐसे तरीके से पूछ लेगा कि आपको लगेगा वो वाला टॉपिक भी टच कर लिया जो सीआर यू में कहा पूछूंगा

ठीक है तो ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि ये खुद ब खुद सही वाले ऑप्शन पे जाके बैठ जाएगा आपको सिर्फ क्लिक करना है ठीक है तो आपको खुद ये उठाना है जहमत कर रही है और इसमें से जो सही वाला है उस पर जाके इसको प्लेस करना है ठीक है तो ये पावर पॉइंट था तो मैंने थोड़ा जुगाड़ किए ठीक है, है तो ये पूरी पावर पॉइंट पे बनी हुई है आ, ये है आपका एम होता है पूरा एक सिनेरियो प्लीज ये पूरा सिनेरियो और उस सिनेरियो से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन फिर सेम सिनेरियो फिर उससे रिलेटेड एक और सवाल फिर सेम सिनेरियो फिर उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू ठीक है उसके बाद ये आपका सेक्शन सी जो सीआरक्यूज हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस ये भी आप देख चुके हो जी दो सीआरक्यूज आएंगे 20 20 मार्क्स के 20 मार्क्स ईच सो ये आपके पास सीआरक्यू आएगा ऑब्वियसली अगर इफ इट्स अ प्लीज अ इफ इट्स कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन तो ऑबली आपके पास स्प्रेडशीट uh, बनी हुई आएगी राइट और इफ इट डिस्कशन क्वेश्चन तो आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग स्पेस आपके पास आ जाएगी जिसमें आपको टाइप करना होगा uh, उसके बाद ये आपके पास फाइनल आएगा और यू क्लिक एंड रिव्यू सो यूल से पेपर और आपकी तकदीर का फैसला हाँ वो देख जाता है कि क्या किया आपने <laughs> तो आगे सहमत नहीं करें तो वो डिपेंड करता है पेपर देने वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि आपके पिछले सब्जेक्ट से कहा रिलेटेड है हाँ हाँ ये आपके एफ टू यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ही ब्रांच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट तो तो मतलब रिपीट हो रही होंगी नॉट प्रोसेस कॉस्टिंग इस तरह के एरियाज नहीं है बट जो बेसिक्स हैं मटेरियल क्या है लेबर क्या है फिक्स कॉस्ट क्या है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ने पढ़ा है वो एरिया यहाँ से टच हो जाएगा इनवेंट्री मैनेजमेंट का एरिया जो आपने एफ में पढ़ा वेरी ऑर्डर लेवल री ऑर्डर क्वान्टिटी मैक्सिमम स्टॉक मिनिमम स्टॉक एवरेज स्टॉक वो सब यहाँ कवर होगा लेकिन आप फिकर नहीं करें मैं जब एफ नाइन पढ़ाता हूँ मैं, मैं कुछ पढ़ के नहीं आए हो क्योंकि आप सब भी यही करके आते हो yes, हाँ तो मुझे पता है मैं करूंगा, आज से पहले आपने कभी किताब भी नहीं देखी जिंदगी में तो ऐसे ही पढ़ेंगे आप फिक्र नहीं करें जी सो दैट वॉज द पेपर नाउ लेट्स टू दब्जेक्ट इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट कैसा है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हाँ मैं भी पढ़ाता था बट वो पढ़ने के लिए मेरे लिए फेवरेट था पढ़ाने का मेरा फेवरेट नहीं था आ, पढ़ाने के हिसाब से फेवरेट नहीं था पढ़ने के लिहाज से मेरा वो भी कौन सा पेपर एफ नाइन हा अच्छा अच्छा सुने

जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर उसका कोई काम नहीं है थ्रू पुट अकाउंटिंग का क्या काम है सो so, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें ऐसे हैं जिस, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं एंड वो वहीं यूज होंगे हो सकता है आपको सारी जिंदगी वो कभी देखने को भी ना मिले वो चीजें बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज समथिंग दैट एन ऑर्डिनरी मैन ऑल्सो कैन कनेक्ट हिमसेल्फ और सेल्फ विद दिस सब्जेक्ट और प्लीज आपको बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज जिंदगी में काम आए ना आए तीन सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको काम आएगी एक एफ सेवन हो गया यानी रिपोर्टिंग साइड एक ऑडिट का हो गया और एक एफ नाइन हो गया ये तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन जिनका जिन, जिन, जो आपको बहुत काम आएंगे तीनों आपको बहुत काम आएंगे आ, और एफ नाइन If I say, अगर आप रिपोर्टिंग साइड पर चले गएगा तो तो उसके अलावा आप जब भी किसी जगह जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो आपको काम आएगा वो एफ नाइन आएगा आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ठीक है अपना बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो रिपोर्टिंग काम नहीं आएगी उस वक्त राइट right? फाइनेंशियल you आपको, बनानी है। आपको अपने, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिपोर्ट बनानी जिससे आपको देखना है, कि यार ये आपके लिए सही है या नहीं है फिर आप देखोगे पैसा कहां से लेकर आऊट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पैसा लगाऊं नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे जिनसे पैसा लिया है, उनके रिटर्न को मैक्सिमाइज मैनेजमेंट कैसे रिस्क को मैनेज करूं so, तो ये आपके, चाहे आप कर रहे हो चाहे देखी है इंटरव्यू के भी सवाल जो है ना वो इन दो तीन सब्जेक्ट से ही करता है एफ सेवन के रिपोर्टिंग का कुछ ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ उठा लेगा या एफ नाइन का कुछ ना, कुछ ना कुछ उठा लेगा और वहां से वो सवाल करेगा ये उसके फेवरेट टॉपिक्स ही होते हैं सो so, uh, इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि भाई ये इसको पेपर के लिए नहीं पढ़ना यार थिंक बियॉन्ड मार्क्स सिर्फ मार्क्स के लिए अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है मार्क्स के लिए हेल्प आउट करे या ना करे पर आगे तो नहीं करेगा क्योंकि आपने पढ़ाई मार्च तक का है लेकिन अगर आप उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे एज अ एज अ नॉलेज बेस्ड पढ़ोगे कि यार मुझे अपनी नॉलेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी करनी है ठीक है पेपर भी पास करना है बट मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू पास द पेपर आई ट के मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल आ जाए उस कॉन्टेक्स में अगर आप इस पेपर को पढ़ोगे तो यू विल एंजॉय दिस दिस पेपर पेपर एंड पास जितना भी घुमा ले आपको नहीं घुमा सकता सो so, इसको इसको एज अ नॉलेज की परसपेक्टिव से पढ़िएगा लर्निंग से पढ़िएगा एग्जाम परसपेक्टिव से नहीं पढ़िएगा सिर्फ उसके अंदर आपको लिमिटेड नहीं कीजिएगा फिर आगे इसका एडवांस वर्जन भी है एंड आई एम श्योर मतलब जब आप जाओगे स्किल प्रोफेशनल लेवल के अंदर

फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ अब जब आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे एंड एंड इफ दैट कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आई एम नॉट सेइंग से इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है लेकिन अगर इफ इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो योर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी कि जो कंपनी की वैल्यू है उसको क्या किया जाए मैक्सिमाइज किया जाए अगर मैंने एक कंपनी का शेयर खरीदा है और वो शेयर आज लेट से फाइव डॉलर का है तो एक फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड इट शुड नॉट स्टे एट फाइव It be more than अब कितना फाइव से ऊपर लेके जाना है so, जितना मैक्सिमम लेके जा सकते हैं फाइव से ऊपर उसको लेके जाया जाए दैट्स द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इसका ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ अब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उठा लें उसका ऑब्जेक्टिव तो नहीं है एफ के अंदर यह नहीं था बट एफ के अंदर है दैट्स द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर दिस सब्जेक्ट कि आपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को किसी भी तरीके से मैक्सिमाइज करना है उसको मैक्सिम लेवी पे लेके जाना है वैल्यू ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज एवरी ईयर एंड जितना मैक्मम आप इंक्रीज कर सकते हो उसको इंक्रीज करें अब जितने भी हम इसके अंदर सिलेबस के सेक्शन पढ़ेंगे वो सब इसी ऑब्जेक्टिव के इर्दर्द घूम रहे होंगे उस सब में ऑब्जेक्टिव यही होगा आप डिस्कशन कर रहे होंगे तो के अंदर आपने इस बात का जिक्र कर रहे होंगे, जहां आपको लेने होंगे तो डिसीजन एक एक की वजह से शेयर होल्डर्स हो सकती है नहीं हो सकती। तो जो भी आपकी डिस्कशन हो रही होगी स्पेशली इफ यू अबाउट एनी इन्वेस्टमेंट और एनी फाइनेंसिंग सोर्स पैसे कहां से लेके जाए आपका कोर जो क्वेश्चन होगा इन द माइंड दैट विल बी क्या मेरे इस फैसले से शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है या नहीं हो रही है? तो थ्रू आउट द सिलेबस यही चीज चल रही होगी नाउ हाउ थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी कैन मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं ऑब्वियसली थ्रू आर डिसीजन एंड देर आर थ्री डिसीजन विच विल हेल्प अस इन मैक्सिमाइज The shareholders' wealth. One decision is the investing decision. So, what as a finance manager, hamara ek kaam ye hoga ki we take better investing decisions for the organization. Investments that will maximize the shareholders' wealth. अब इसमें हमें देखना ये होता है कि यार हमारे पास options है investment करने के. For example, हमें कोई company purchase करनी है, take over करना है. Should we go for it? That's investing decision. हमें कोई मशीनरी खरीदनी है ताकि हम अपनी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकें शुड वी गो फॉर इट हमें किसी एसेट को रिप्लेस करना है शुड वी गो फॉर इट इन्वेस्टिंग डिसीजन है हमें divest, में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होती डाइवेस्टिंग भी होती है कि अगर आपको अपना कोई बिजनेस यूनिट खत्म करना है सेल करना है तो ऑब्वियसली वहां से भी जो कैश आएगा पर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे तो क्या कोई बिजनेस यूनिट हमें बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए क्या कोई बिजनेस यूनिट हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए कोई कंपनी परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कोई मशीनरी परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए नया या नहीं करना चाहिए ये सारे कौन से डिसीजन है इन्वेस्टिंग डिसीजन है एंड इफ यू टेक राइट डिसीजन इट विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ यू रोज वेल्थ इफ आई इन अगर मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी नजर आती है जिससे वाकई हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी भी और उसके नतीजे में प्रॉफिट बढ़ेगा तो अगर मैं ये डिसीजन ले लूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा तो मेरी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो इसके लिए ये, ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए एंड दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन कंपनी एंड शेयर प्राइस विल गो अप सो ये इन्वेस्टिंग डिसीजन अच्छा साबित हो जाएगा हमारी वेल्थ बढ़ जाएगी सो इन्वेस्टिंग डिसीजन अगर अच्छे होंगे ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी तो पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो एरिया है इसके अंदर वो पूरा इसी के ऊपर है कि हम किस तरीके से मुख्तलिफ डिसीजन एक कंपनी में लेते हैं किस क्राइटेरिया की बेस पर कोई फैसला करते हैं और उसका इंपैक्ट कंपनी की वैल्यू पे क्या पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन भाई ये तो फैसला कर लिया कि फलानी मशीनरी खरीदनी है या बिल्डिंग खरीदनी है या बिजनेस यूनिट खरीदना है ये डिसीजन तो चलो कर लिया आपने इसके लिए पैसा चाहिए ना और वो पैसा कैसे आएगा वो कौन सी सोर्स से आएगा विच सोर्स यू आर गोइंग टू चूज फॉर दैट इन्वेस्टमेंट दिस डिसीजन इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है दैट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन बट उसके लिए पैसा किस सोर्स से लेकर आना है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन सोर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास लोन हो सकता है कैपिटल सब, सब कोई कैपिटल कहता है शेयर इशू कर इक्विटी के थ्रू रेस करें पैसा राइट right? दोनों अलग है एक किसी बंदे को अपने साथ पार्टनर बनाना या किसी से उधार लेना तो अलग बात है ना तो शेयर्स का मतलब है पार्टनर बना लेना राइट right? शेयर्स का मतलब है पार्टनर बना लेना अगर आपने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करके पैसा रेस किया तो जिस बंदे ने आपके शेयर्स खरीदे वो बेसिकली आपका क्या बन गया पार्टनर बन गया पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर इन डिसीजन मेकिंग टू द एक्सटेंट ऑफ इज शेयर होल्डिंग है, अगर उसने आ, एक लाख कंपनी के शेयर में से सौ शेयर खरीदे और आके बोले नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट करें मेरा डिसीजन है तो वो ऐसा नहीं होगा वो अपनी शेयर्स की अपनी औकात के हिसाब से फैसला फैसल साजी में उसका रोल होगा हो बट होगा जरूर अगर उसने एक फीसदेयर खरीदे तो उसका एक फीसद वोटिंग पावर होगा तो वो पार्टनर बन गया ना नॉर्मल बट जितना इन्वेस्टमेंट किया उतने उसके हाथ तक वो पार्टनर बन गया तो पार्टनर बनाने में और किसी से उधार लेने में फर्क है तो ये फैसला छोटा फैसला तो नहीं है आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है आपको पैसे चाहिए दो महीने के लिए आप सारी जिंदगी के लिए उस बंदे को पार्टनर बना लोगे नहीं होगा उधार ले लोगे तो कभी आप कहोगे मुझे उधार लेना है कभी आप बोलोगे मुझे करके पार्टनर बनाना है अब ये फैसला गलत हो गया तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे हो सकती है भाई नहीं हो सकती है इफ यू टूक अ रॉन्ग डिसीजन बिटवीन दीज सोर्सेज ऑब्वियसली इट इट विल विल रिजल्ट इन अ लॉस फॉर द कंपनी अब एक शॉर्ट टर्म जरूरत के लिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए कमिट कर दिया आपको। आपको uh, तीन महीने की और आपने बदले शेयर इशू कर दिए अब तीन महीने के बाद जरूरत क्या हो गई पूरी हो गई अब पैसे आपके पास आ गए दस मिलियन वन मिलियन जो आपने लिए थे वापस आ गए अब आपको रिपे करना है कैसे करोगे भाई आपने तो शेयर्स इशू किया था तो, तो पार्टनर बन गया लाइफ टाइम अब बाय बैकिंग ऑफ शेयर करना है

बिल्कुल ऐसा है ना यही मैं कह रहा हूं ना ये जब आपके पास सिचुएशन आएगी तो उस सिचुएशन में खड़े होकर आपने बेस्ट डिसीजन लेना है यू यू कैन कैन नॉट टेक टेक आइडियल एवरी टाइम बट द बेस्ट इन गिवन गिवन एक सिचुएशन के अंदर आपको जो बेस्ट फैसला होगा वो करना होगा अब यही यही हमने सीखना है कि किस सिचुएशन में क्या बेहतर फैसला है किस सिचुएशन में हमें इक्विटी फाइनेंस की तरफ जाना चाहिए किस सिचुएशन में हमें, हमें डेट फाइनेंस और डेट में भी बहुत सारी categories है bank loan है loan notes ये, debentures, bonds है short term bank loan है वगैरह है, सही है, अच्छा same भी है, तो भी वो हम discuss करेंगे तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन से क्या आपको चूज करना है और कब किस सिचुएशन में करना है ये सोर्स ये फाइनेंसिंग डिसीजन है ये हमने सीखना है इसमें एक पूरा सिलेबस सेक्शन है बिजनेस फाइनेंस के नाम से सोर्स ऑफ तो फाइनेंस के नाम से जिसमें फाइनेंसिंग डिसीजंस को डिस्कस कर रहे होंगे लास्ट द डिविडेंड डिविडेंड डिसीजन डिसीजन आप एक दुकान चला रहे हो आपने साल के एंड पे प्रॉफिट कमा लिया है अब सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन एक ही है कि प्रॉफिट पूरा घर ले जाए या थोड़ा सा घर ले जाए और थोड़ा री इन्वेस्ट कर दें डिविडेंड ऐसी है साल गुजरा प्रॉफिट कमाया कंपनी ने कंपनी को फैसला ये करना है कि जितना प्रॉफिट कमाए सारा दे देना है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे या उसमें से कुछ रखना है या कुछ इन्वेस्ट करना है या कुछ भी नहीं देना सारा इन्वेस्ट करना है या कितना इन्वेस्ट करना है और कितना डिविडेंड देना है ये फैसला करना है क्योंकि इसके भी रिपरकशंस हैं अगर आप सारा पैसा एज अ डिविडेंड दे देते हो तो री इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं होंगे और दोबारा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फिर शेयर इशू करने पड़ेंगे नए बनाने पड़ेंगे या फिर लोन लेना पड़ेगा और अगर आप कहते हो नहीं री इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड देते ही नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा शेयर होल्डर्स के ऊपर वो क्या सोचेंगे आपके बारे में उनको उनमें से अक्सरों को तो पता ही नहीं होता प्रॉफिट हुआ है नहीं हो, तो डिविडेंड से अंदाजा लगाते कंपनी कैसी चल रही वो लड़के थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं हर, हर शेयर होल्डर स्टेटमेंट थोड़ी देखता है हाँ कंपनी ने इतना सारा प्रॉफिट कमाया नहीं दिया होगा डिविडेंड तो कुछ सोच के नहीं दिया होगा री इन्वेस्ट कर रहे होंगे बहुत सारों को तो पता नहीं है वो बोले डिविडेंड दिया नहीं मुझे लगता है इस कंपनी खसारे में सो इट गिव्स अ सिग्नलिंग इफेक्ट इट गिव्स अ सिग्नल टू द इन्वेस्टर्स तो वो उनको अब अब आप ये जो फैसला है कि डिविडेंड देना है नहीं देना और कितना देना है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं होता हर एंगल से देखना पड़ता है आप क्या जो मार्केट के अंदर दूसरी कंपनीज है वो कितना डिविडेंड दे रही है आप कितना दे रहे हो आपका फ्यूचर में क्या प्लान है उसके हिसाब से आपको क्या देना है डिविडेंड आपका हिस्ट्री क्या रही है डिविडेंड देने की सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर वंस यू आर डिसाइडिंग अबाउट कितना डिविडेंट देना है सो दीज आर द्री मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको लेने होते हैं मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स तीन डिसीजन मैनेजमेंट अराउंड बिल्कुल कर सकते हैं बट हाउ मेनी ऑफ देम विल रीड योर नोटिफिकेशन और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट से मैं बताता हूँ आप मार्केट्स में अभी आप शेयर होल्ड जो, जो शेयर की ट्रेडिंग करते हैं ना जो शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं वो देखते भी नहीं है पीछे पलट कर वो देखते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है शेयर्स का बाय कर लिया एप्लीकेशन पे ठक बाय कर लिया फिर सेल कर दिया फिर, फिर सेल कर दिया अब ये पूरे साल में इतनी दफा जो है वो शेयर शेयर होल्डर्स की ओनरशिप चेंज हो रही होती है आप किस किस को नोटिफाई करते रहेंगे ठीक है तो इट 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 इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि टू नोटिफाई ईच एंड एवरी इन्वेस्टर इन द मार्केट परसेप्शन के लिए कैसे नोटिफाई करेंगे आई एम आई एम नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ यू बट आई एम एन इन्वेस्टर इन द मार्केट सो so, अब मेरी परसेप्शन को आप क्या करोगे मुझे कैसे नोटिफाई करोगे मैं तो आपका शेयर होल्डर हूं नहीं लेकिन मैं आगे हो सकता हूँ मुझे आगे खरीद पोटेंशियल शेयर होल्डर हो सकता हूँ और लेकिन मैं तो मार्केट परसेप्शन चलूंगा आपकी नोटिफिकेशन थोड़ी देख लूंगा सो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने हर डिसीजन के बारे में लोगों को आगाह करो और 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 बहुत दफा आप कर भी नहीं सकते हो आप कंपैक्टर को एक टेक ओवर करने वाले हो हाँ हा, कैसे लिख कर सकते हो इन्फॉर्मेशन आपकी निगोशियेशन चल रही है वहां पर आप कैसे बता सकते हो आपको एक घर खरीदना है अपने मोहल्ले में अनाउंस कर दीजिए साथ वाला घर बड़ा सस्ता मिल रहा है मैंने खरीदना है तो आपसे पहले कोई और खरीद के ले जाएगा सो यू हैव टू कीप थिंग्स कॉन्फिडेंशियल ऑन मोस्ट ऑफ देश खास तौर पर जो इन्वेस्टिंग डिसीजन होते हैं वो पब्लिक नहीं किए जाते जब तक वो कर नहीं ली जाए वो अपने फ्यूचर प्लान कौन बताता है कंपेक्टर्स हैं आपके बैठे हुए सो so, हर चीज को आप हर शेयर होल्डर को शेयर होल्डर तो हर किस्म का हो सकता है भाई मैं मैंने ए, मैं आपका शेयर होल्डर भी बनाऊँ और मैं आपका कंपेक्टर भी हूँ उसी कंपनी में वहां कंपनी चला रहा हूँ यहाँ मैंने शेयर्स खरीद लिया तो अब आप मुझे क्या इंटरनल इंफॉर्मेशन दोगे क्योंकि आप शुरू में शुरूल्डर हूं नहीं तो आप नहीं दे, नहीं दोगे मुझे वो इंफॉर्मेशन राइट right? तो हर इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जाती है कंपनी से रिलेटेड सो दीस आर द थ्री डिसीजंस दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में uh, होंगे और ये पूरा सिलेबस हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इसी के इर्द-गिर्द घूमता है सो दीस आर द एरियाज ऑफ द सिलेबस ये सिलेबस के हमारे एरियाज हैं अह क्शन बी ये प्योरली थोरटिकल थोड़ी है इसके ऊपर सिर्फ एमसी क्यूज ही आ सकता है ना एम टी क्यू वो देता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है जनरल डिस्कशन होती है कि यार आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वायरमेंट है जैसे इस वक्त पाकिस्तान की

अफेक्ट करता है और इसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन जो आपका होता है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है चैलेंजेस को सो ये सेक्शन पूरा उसके ऊपर है तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वर्किंग कैपिटल हमारा पहला टॉपिक जो है वो सेक्शन जो है वो वर्किंग कैपिटल हैं दर इज अ रीजन व्हाई आई स्टार्ट वर्किंग कैपिटल दो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अगर मेरी ख्वाहिश हो तो मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन होता यह कि जैसे आज पहली क्लास है और आज कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स एबसेंट होंगे पहली क्लास है ठीक है तो किसी को नोटिफाई नहीं होगा या किसी को पता नहीं होगा या कोई शहर से बाहर होगा अब अगर मैं पहली क्लास में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की पहला लेक्चर कर दिया ना तो सारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल गया तो पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड तक जितना भी चल रहा होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है सो so, इसलिए मैं वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वर्किंग कैपिटल की खास बात यह है कि इस ये ये सेक्शन अगर खुदा ना खासा किसी का मिस भी हो जाता है तो किसी और सेक्शन के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आता है अगर मिस भी हो जाता है तो ये बिल्कुल आइसोलेटेड सेक्शन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इवन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर भी जो है वो एरियाज आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा कनेक्टेड नहीं है कि आपने अगर पहली क्लास मिस कर दी तो सेकंड क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी ऐसा नहीं है तो इसलिए मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से स्टार्ट करता हूं अच्छा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसके बाद नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट कराऊंगा वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और जी दोनों में से आप ये दोनों एरियाज ऐसे हैं जिसमें से सीआर क्यू आता है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जी नहीं किसी और से भी आ सकता अभी आता हूँ उसमें इसमें आ, जो बिजनेस फाइनेंस का एरिया ये वाला इससे भी आता है सी आर so, क्यू सो सी आर क्यू बिजनेस फाइनेंस वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट का अच्छा वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट तो वर्किंग कैपिटल से हम स्टार्ट लेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि वर्किंग कैपिटल है क्या वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे किया जाता है क्यों करना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस एक बिजनेस के अंदर क्या है ये सब डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन भी है थ्योरी भी है और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एफ नाइन क्योंकि सीआरक्यू क्यू बीस में से आ जाते हैं और एमसीक्यूज भी इसमें से आते हैं आ, uh, जी बताता हूं उसके बाद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो कि बैकबोन ऑफ दिस होल सब्जेक्ट इज द बैकबोन ऑफ दिस होल सब्जेक्ट एंड जो uh, ज्यादा चांस है कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ा जो एरिया एग्जाम में आएगा वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का आएगा यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपके पास आएंगे जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आएंगे और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही बेस प्रोवाइड करेगा बहुत 23 से टॉपिक्स के और टॉपिक्स के तो इंशाल्लाह वी विल बी स्टडीिंग इट फ्रॉम स्क्रैच मैं

इन्होंने मर्ज uh, कर दिया है uh, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसी के अंदर मर्ज किया हुआ है ठीक है तो ये बेसिकली तीन एरियाज हैं बिजनेस फाइनेंस है बिजनेस है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो ये तीन एरियाज है तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद वी विल स्टार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद वी विल बी स्टडी बिजनेस वैल्यूएशन विच इज कनेक्टेड विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देन वी विल स्टडी बिजनेस फाइनेंस फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर वैसे तो दो लिखे हुए हैं दो है नहीं ये एक ही है ये आपके हर जगह चुकाया हुआ है इन्होंने अभी टेक्नोलॉजी स्किल्स स्प्रेडशीट वगैरह और वो सब है तो सो इट नॉट अ सेक्शन है सो रिस्क मैनेजमेंट इज बेसिकली वन जिसको हमने पढ़ना है रिस्क uh, मैनेजमेंट uh, जो है ये इसका इसका सी क्यू नहीं आता इसका या तो एमसीक्यू आता है या एम टी क्यू आता है और इस दफ़ा जो सप्तम्बर अटैम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ इस दफा के स्टूडेंट्स से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ तो सितम्बर जिसमें मैंने पढ़ा था उसमें जो स्टूडेंट्स को जिस टॉपिक ने तंग किया था एम टी क्यू जो आया था वो ये रिस्क मैनेजमेंट था दे डिड वेरी वेल इन एम सी क्यूज पार्ट देर वेरी कॉन्फिडेंट इन दी आर क्यू पार्ट सी आर क्यू का पार्ट जो है ना वो भी उनका बड़ा जबरदस्त था uh, जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरे ख्याल से uh, बिलाल के सीआर में फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी आए थे

जो है ना वो प्रैक्टिस क्लास में ही करेंगे आ, मैं मैं आपको दिखाऊंगा अपना पूरा प्लान उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा उसके बाद बस से हो गया। तो ये सिलेबस के जो कि हमने पढ़ने हैं इनशाला कोई सवाल है तो पूछ लें हाँ अच्छा अगर मैं अपनी बात करूं तो आई डोंट नीड यू टू बी स्टडिंग टेक्स्ट बुक राइट बट बट हैविंग सेड दिस मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चलता हूं ठीक है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि टेक्स बुक रीड करनी चाहिए आई एम नॉट से नोट्स हाँ कहना क्या चाह रहा तो मैं बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप आ, टेक्स्ट बुक रीडिंग के दो फायदे हैं एक नॉलेज है वो आपको मेरे नोट्स में और मेरे लेक्चर से मिल जाएगी सो यू डोंट नीड टू रीड इट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू नीड इट टू इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम का सवाल आया रीड करना है और रीड करके समझना है अब जिस शख्स ने सवाल बनाए हैं उसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है देखें एक ही जुमला दो लोग पढ़े बोलेंगे मतलब अलग होगा आप घर देर से आए आप घर देर से अब बने का बड़ी जल्दी आ गए अब आप अगर अब्बा को जानते होंगे तो टोंट मारते हैं तो आप समझ जाएंगे बस जल्दी नहीं आया हूं बिल्कुल रिवर्स मतलब निकलेगा राइट right? तो यही बहुत जल्दी आगे कोई और बोलेगा आपका मतलब डिफरेंट होगा सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हु इज सेइंग इट, फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्सन हु इज सेइंग इट देन आप वो, वो क्या कह रहा है उसका मतलब आपको समझ में आएगा सो टेक्स्ट बुक जो है वो एग्जामिनर्स ही तकरीबन बनाते हैं टेक्स्ट बुक रीडिंग इसलिए जरूरी है ताकि आपको एग्जामिनर क्या वर्डिंग इस्तेमाल करता है जब वो एक जुमला बोलते अभी आ रही है आवाज अब आ रही है ठीक है शुरू से बता दें ठीक है बता रहा हूं रिपीट कर रहा हूं सो सो व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड इन्वेस्टमेंट इन नॉन करेंट एसेट्स लाइक बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इन सब में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है बट ये वाली इन्वेस्टमेंट आपको डेली बेसिस पर नहीं करनी है वंस आपने एक एक दफा बिल्डिंग खरीद ली फिर वो अब तक आपके पास रहेगी रोजाना बिनियाद पर आप नहीं बोलोगे यार आज फिर बिल्डिंग खरीदनी है आज फिर बिल्डिंग खरीदनी है फिर बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है प्लांट मशीनरी खरीदनी है सो इट इज नॉट समथिंग दैट यू विल बी डूइंग ऑन डेली बेसिस सही है तो ये जो आपका कैपिटल लगेगा इन चीजों में बिजनेस को चलाने के लिए वो एक दफा आपने कर दिया फिर अब आप के वो इन्वेस्टमेंट हो गई है अब आप काम चलाओगे लेकिन उसके बरक्स आपको जो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी आपको इन्वेंट्री रखनी है ये डेली बेसिस पर आपकी आपको पैसे चाहिए होंगे कभी पचास हजार कभी साठ हजार कभी सत्तर हजार कभी तीस हजार पे आ जाएगा कभी ये ये डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट होता रहेगा और ये आपको डेली बेसिस पर इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अब ये पैसे कैसे लाए अब ये पैसे कैसे लेकर आए क्योंकि ये पैसे क्या होंगे इन्वेंट्री है इन्वेंट्री कम हो जाएगी बिक जाएगी बिक जाएंगी सेल्स होंगी वहां से कैश आ जाएगा सो so इन्वेंट्री से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कैश में अब कैश में से हो सकता है आपने कहीं जाके इन्वेस्ट कर दिया राइट right? कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया अब इन्वेंट्री आपकी क्या होगी कम अब इन्वेंट्री में दोबारा पैसा कभी जरूरत चा, चा, चाहिए होगी तो फिर आप फिर करोगे अब आप पैस फिर के के हैं? अब अब लेकर देखना हो गया तीन साल के बाद कि वो तो की भी थी राइट सो right? so, ये इन्वेस्टमेंट जो आपकी इन्वेंट्री की है या आपके कैश आपको चाहिए अपने बिजनेस में रखने के लिए हर वक्त ताकि आपको जब भी कैश की पेमेंट करनी पड़े तो आप कर सको या आपके जो रिसीवेबल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो डे टू डे बेसिस पर

उसमें जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो अलग कर दी और जो डे टू डे बेसिस पर आपको चाहिए वो अलग कर दिया और वो कितना चाहिए हंड्रेड थाउजेंड डॉलर राइट सो दिस है तो ये आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है ये हंड्रेड थाउजेंड डॉलर है द इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स दैट्स योर वर्किंग कैपिटल अच्छा अब ऐसा होता है कि आप बिजनेस करते हो तो आपको जो इन्वेंट्री चाहिए से फॉर एग्जाम्पल यहां कितनी चाहिए फिफ्टी थाउजेंड डॉलर तो हो सकता है पूरे फिफ्टी थाउजेंड आपको अपनी जेब से ना लगाना पड़े आपको क्या मिले उधार पे इन्वेंट्री मिल जाए आप भी तो दे रहे हो ना उधार पे रिसीवेबल्स. तो आपको इन्वेंट्री भी हो सकता है उधार पे मिल जाए सो मे बी द टोटल रिक्वायरमेंट इज हंड्रेड थाउजेंड डॉलर बट यू डू नॉट इन्वेस्ट all the $100,000 so let's say we may have accounts payable worth of $25,000 in this 50,000 25,000 can get now do we need 100,000 what we need and that $75,000 is called working capital the amount of capital that we need

फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म सोर्स आपको इसके लिए प्रॉपर कोई अरेजमेंट करनी पड़ेगी कोई लॉन्ग टर्म अरेजमेंट करनी पड़ेगी टू फंड दिस अमाउंट बिकॉज दिस इज समिंग दैट यू विल बी नीडिंग हमेशा चाहिए होगा। इसका फॉर्म चेंज होता रहेगा रहे बट यह पचहत्तर हजार सेवेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर जो है आपको लाजमी मुस्तकिल चाहिए होंगे आपको अब आप किसी लॉन्ग टर्म सोर्स से इसको

वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सो फिर नेट का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं बट नेट uh, इस्तेमाल करें ना करें वर्किंग कैपिटल करंट एसिड माइनस करंट लाइबिलिटीज ही होता है जी बिल्कुल आएगी अभी हम ही डिस्कस करेंगे वेरी गुड बिल्कुल है बिल्कुल है ये जो अभी मैंने आपको बताया दैट्स एवरेज लेवल राइट सो हम कहते हैं एवरेज इन कितनी होगी एवरेज कैश बैलेंस हमें कितना चाहिए होगा ये एवरेज लेवल है जी वर्किंग कैपिटल बोल दो नेट वर्किंग कैपिटल बोल दो एक ही बात है मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको वो तो एक लाख है बट अगर पच्चीस हजार ही रहे हैं करेंट लाइब्रेट के थ्रू अकाउंट पेबल के थ्रू तो फिर अब आपको अलग से पूरे एक लाख नहीं चाहिए सेवेंटी फाइव थाउजेंड चाहिए सो यू कॉल इट वर्किंग कैपिटल और यू कॉल इट नेट वर्किंग कैपिटल एक ही बात है जी कैश uh, नहीं होती हाँ क्यों नहीं होगी हाँ तो फॉरन अलग बात है लेकिन मैंने ये मतलब ये वाली बात कब कही कि क्या चाहिए होगा मतलब तो तुम्हारा सा रिपीट करें हाँ कैश में फॉरन तो ऑब्वियसली कन्वर्ट नहीं होगा वो तो रिसेवल तो भी फॉरन नहीं होगा अगर मैंने इसको सिक्सटी डेज दिए मैं तो नहीं होगा इट्स बेसिकली देखो एक साल के से कम अरसे के अंदर अंदर इस चीज का बेनिफिट आपको किसी ना किसी शक्ल में मिल जाएगा अल्टीमेटली कैश की शक्ल में मिलेगा सेल्स की शक्ल में बट किसी ना किसी शक्ल में आपको उसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर ही पूरा मिल जाए तो वो करंट एसेट वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या होगी इट्स द इट्स द कैपिटल और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू मैनेज डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी इट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड To manage day to day operations of a company. It's the amount of capital required to manage day to day operations of a company. Day to day operations of a company. Clear? okay up what is working capital management? Now this was working capital now what is meant by working capital? Man, when we say I am managing my working capital, what actually you are supposed to be doing? up financial management objective kya tha? Shareholders, wealth maximization right? So what is the objective of working capital management? राइट? ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी अल्टीमेटली क्या है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल लेकिन कैसे होगा ये देखते हैं देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं एक एस्पेक्ट क्या है इन्वेस्टिंग और एक है फाइनेंसिंग एक फैसला आपको यह करना है हाउ मच टू इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल राइट एंड दूसरा है कि वो जो इन्वेस्ट करना है वो पैसा लेकर कैसे आना है उसके लिए सोर्स क्या होनी चाहिए द सोर्स विल बी टू शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप जितना इन्वेस्ट करना है अपने वर्किंग कैपिटल में उसको शॉर्ट टर्म से लेकर आ रहे हो या उसको लॉन्ग टर्म से फाइनेंस कर रहे हो या कितना शॉर्ट टर्म से कर रहे हो और कितना लॉन्ग टर्म से कर रहे हो जो एक लाख डॉलर है ना एक लाख उसमें से अभी आपने क्या कहा था कितना करंट लाइबिलिटी है ये शॉर्ट टर्म से हो गया सो आउट ऑफ आपने किससे फाइनेंस किया शॉर्ट टर्म से किया बाकी सेवेंटी फाइव थाउजेंड अब आप किससे करोगे लॉन्ग टर्म से कर रहे हो ये जो ये जो डिसीजन है ना ट्वेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट ये डिसीजन क्या कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन है ऑफ द वर्किंग कैपिटल हाउ मच ऑफ द टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल विल बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्स एंड हाउ मच ऑफ इट विल बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ये फाइनेंसिंग डिसीजन है जी सर अच्छा एक यहां पर अनाउंसमेंट सर कर रहे हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जी आ, अच्छा जी एक अनाउंसमेंट ये थी कि जैसे कि अब नया सेशन स्टार्ट हो गया आज से, तो पहले एक हाइब्रिड रूट था तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी अवेल कर रहे होते थे और फिजिकल क्लासेस भी अवेल कर रहे होते थे ठीक है तो अब से ये होगा कि आपके पास दो ही ऑप्शन हैं या तो आप कम्प्लीटली ऑनलाइन क्लासेज ले लें या तो आप कम्प्लीटली फिजिकल क्लासेस ले लें ऐसा नहीं होगा कि आप आज ऑनलाइन ले रहे हो तो कल फिजिकल ले रहे हो ठीक है ये वाला एक्सेस नहीं होगा आप लोगों के पास ऑनलाइन किसी के पास एक्सेस नहीं होगा हाँ अगर कोई कंप्लीटली ऑनलाइन जाना चाहता है उसके पास ऑनलाइन का एक्सेस होगा फिजिकल का एक्सेस उसके पास नहीं होगा और जो फिजिकल आएगा उसके पास ऑनलाइन का नहीं होगा ठीक है अब अगर एक बच्चा फिजिकल आ रहा है और उसको रिकॉर्डिंग चाहिए अगर उसकी अटेंडेंस एट्टी परसेंट हुई क्लास के अंदर तो उसको रिकॉर्डिंग का एक्सेस हम कुछ टाइम बाद अलाउ कर देंगे अभी फौरन तो नहीं होगा पर कुछ टाइम बाद आपको हम अलाउ कर देंगे नहीं रिकॉर्डिंग्स होंगी क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन भी हैं कनेक्टेड हैं आउट ऑफ पाकिस्तान और आउट ऑफ सिटी से भी हैं तो उनके लिए तो ऑनलाइन चल रहा है तो आप में से अगर कोई कम्पलीटली ऑनलाइन करना चाहे तो वो अभी डिसीजन ले ले या कम्पलीटली फिजिकल ठीक है डे वन पे आपको बता रहे हैं किसी का कोई सवाल हो कुछ पूछना हो कोई बात करनी हो तो फिर आप मेरे ऑफिस मुझसे बात कर लीजिएगा ठीक है किसी का कोई सवाल तो नहीं है? तुम तो रेगुलर आते हो और सर अटेंडीशी हो गई अच्छा वापस एक दफा सर्कुलेट कर देते हैं ये इसमें जिस बच्चों को एक्टिव का है ना वो अपने नाम आगे एक्टिव लिख दें और जो फेस टू फेस आना चाह रहे हैं वो उसके आगे फेस टू फेस और जो ऑनलाइन आना चाह रहे हैं ऑनलाइन मैच क्या लिखे बस एफ टू एफ लिख दे और ओ लिख देना कुछ ऐसा ना हो कि वो लिखना चाहे तो पी ही मतलब तो वो लिखना चाहिए तो भी होना ही नहीं चाहिए ये ऑनलाइन हाँ लेकिन मैंने शर्त शर्त क्या लगाई थी बोला था शर्त लगाई थी पूरी बात करें मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा जो है ना वो क्लास में आ ही नहीं रहा और कहता है हम रिकॉर्डिंग देते रहो मैंने कहा कि हम देंगे रिकॉर्डिंग अगर हमें ये लगता है कि आप रेगुलर हो लेकिन कभी कभार आप क्लास मिस करो तो रिकॉर्डिंग एक्सेस में रहेगा ऐसे होगा हाँ, हाँ। तो रेगुलर ना सही हो नॉर्मल हो जाता है नहीं ये फिजिकल और ऑनलाइन वाले में तो ऐसा नहीं होगा ये पहली दफा हो रहा है कि अगर फिजिकल है तो फिजिकल ही लेना पड़ेगा ऑनलाइन नहीं होगा यही फिर छोड़ दिया था अच्छा अभी अभी अब बात सुने अभी नहीं फैसला करना है ये फैसला बाद में कर लीजिएगा अभी हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के फैसले करने जी सो so, अब सबसे पहले आते इन्वेस्टिंग डिसीजन के ऊपर अब इसका मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो चीजें हैं जिसका फर्क आपको पता होना चाहिए एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फैसला है और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फैसले का मतलब क्या है इन्वेंट्री कितनी रखनी है कैश कितना रखना है क्रेडिट कितना देना है राइट right? यानी करंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करके रखनी है ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके बाद ये जो पैसे आपने तय कर लिए हैं कि इन्वेस्ट करने हैं ये शॉर्ट टर्म से लेकर आना है लॉन्ग टर्म से लेकर आना है कितना शॉर्ट टर्म से लेकर आना है और कितना लॉन्ग टर्म सोर्स से लेकर आना है ये फाइनेंसिंग हो गया अब मेक श्योर व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन इन द एग्जाम्स कि आप एग्जैक्टली exactly समझ रहे हो वो इन्वेस्टिंग रिलेटेड बात कर रहा है या फाइनेंसिंग रिलेटेड बात कर रहा है क्या वो आपसे कंपनी की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्ट्रेटजीज के बारे में पूछ रहा है या वो आपसे कंपनी की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में फाइनेंसिंग रिलेटेड पूछ रहा है और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से होता है क्वेश्चन क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है यार स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं बट जब एग्जाम में आते हैं तो वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फर्क भूल जाते हैं और वहां से वो उसको पता होता है कि यार ये वो सवाल है जिसमें स्टूडेंट्स जो है ना इधर उधर हो जाएंगे सो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू शुड बी वेरी क्लियर दैट देर आर टू थिंग्स रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वन इज इन्वेस्टमेंट साइड वन इज फाइनेंसिंग साइड वन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग साइड वी एक्चुअली आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच कैश हाउ मच इन्वेंट्री हाउ मच रिसीवल वी शुड हैव and from the financing perspective, we have to decide short-term, long-term sources of finance. okay, kitna, short-term finance, or kitna long-term safe finance, so let's now start investing one. when you have to decide how much you should be investing in your working capital, either it's cash, it's receivable, it's uh, inventory, or any other current asset, there are factors which will help you decide how much you should be investing in your working capital. वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये स्लाइड्स मैं गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं राइट एंड आई विल शेयर अ लिंक ऑन द वॉट्सएप ग्रुप जिसमें ऐड करेंगे जस्ट क्लिक इट राइट जस्ट क्लिक इट बट पहले आपने करना है कि गूगल प्ले स्टोर से या एप स्टोर से गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर जो लिंक आएगा उसको जस्ट आपने क्या करना है क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे इट विल टेक यू दैट क्लास रूम राइट वहां पर मैंने लेक्चर स्लाइड के नाम से ये अपलोड किए तो मैं जितनी भी स्लाइड आपको पढ़ाऊंगा राइट सो यू डोंग प्रेजेंट इन द स्लाइड जस्ट राइट वट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्लाइड जो स्लाइड पर नहीं लिखा हुआ क्योंकि स्लाइड तो मिल जाएगी आपको जो मैं इसके अलावा अगर समझाने के लिए कह रहा हूं और आपको लगता है यार ये वाले पॉइंट मुझे नोट करने चाहिए जाके जब स्लाइड मेरे सामने आए तो मुझे याद आ जाए वो नोट करें Factors. Factor number one, the nature of the business. Obviously, it's a very understandable thing. Okay, you cannot have the same amount of investment in every type of business. Nature of the business is a very important factor. Like if you have a retail business, you do not have to keep raw material, you do not have work in process, you only have finished goods. Trading business. सो so, अब जो रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जो वर्क इन प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो इस बिजनेस में नहीं चाहिए तो रिड्यूस हो गया वर्किंग कैपिटल सो नेचर अच्छा सर्विस में फिनिश गुड भी नहीं होगा सो नेचर ऑफ द बिजनेस आइदर इट्स रिटेल बिजनेस इट्स अ सर्विस सेक्टर इट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एनी अदर टाइप ऑफ बिजनेस जो भी आपका है आपको देखना यह है कि उसकी नेचर क्या, क्या है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेस पर आपका फैसला होगा कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है राइट सो फर्स्ट फैक्टर सेकेंड फैक्टर इज इन सप्लायर्स डिलीवरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर वेरी मच श्योर एग्जैक्टली वेन योर योर सप्लायर डिलीवर्स द गुड्स वंस ऑर्डर्ड मिसाल के तौर तो पर मुझे लगता है, है मेरा सप्लायर एग्जैक्ट पांच दिन के बाद डिलीवर कर देता है राइट right? सो so मुझे मुझे उस दिन ऑर्डर कर देना चाहिए जिस दिन पांच दिन का रॉ मटेरियल रहता हो एक दिन ना ऊपर चाहिए ना एक दिन नीचे चाहिए तो पांच दिन का एग्जैक्ट मैं अपने पास स्टॉक रख लूंगा जिस दिन मुझे ऑर्डर प्लेस करना है लेकिन अगर मैं कहता हूं यार भरोसा भरोसा कुछ नहीं होता कभी दो दिन के बाद खड़ा हो जाता है पैसे लेके और सामान लेके और कभी पंद्रह दिन भी लगा देता है अब मैं पांच दिन का नहीं रखूंगा अब मैं एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखूंगा सेफ साइड के लिए वो फॉर इन्वेंट्री ताकि मेरे पास वो जो दिन वो ज्यादा लगा सकता है उस दिन का भी स्टॉक पड़ा हुआ सो ऑटोमेटिकली एक ऐसी कंपनी कंपनी का inventory, एक ऐसी की ज़्यादा होगी जिसका reliable? नहीं होगा, But, जिसका reliable होगा उसको 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 कम रखना, पता है कि भाई मुझे दिन में हो जाएगा, तो स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बात समझ आती है द ओवरऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस ऑब्वियसली कैन यू एक्सपेक्ट जनरल स्टोर ऑफ योर नेबरहुड एक मोहल्ले की पर, और इम्तियाज की इन्वेंट्री जैसी होगी नहीं न, नहीं होगी जितना पेबल या जितना ल, 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 वो वो क्रेडिट जो है, इम्तियाज को मिल सकता है कंपनी से उतना आपको एक नॉर्मल स्टोर से नहीं मिल सकता सो ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस विल आल्सो बी फैक्टर इन डिसाइडिंग हाउ मच टू

क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मिला क्या है करंट एसेट माइनस ये जो करंट लाइबिलिटी होती है रिड्यूस करता है ना आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को तो so अगर आपका क्रेडिटर आपको पैसे ही नहीं दे रहा उधार पे तो इसका मतलब ज्यादातर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा लेकिन अगर वो आपको क्रेडिट दे देता है ज्यादा तो आपको ऑटोमेटिकली नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा समझ में आई बात द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सप्लायर दो दफा आ गया एक ही दफा काउंट होगा ठीक है So credit policy of suppliers. It's my last point. Jo hai, achha, ye, ye answer, repeat, well, length of the operating cycle. Now, what is operating cycle? G operating cycle is basically the time between cash leaves your business once you purchase inventory. And the day when you get your cash back from your कस्टमर यानी जिस दिन आपकी जेब से परचेज करने की वजह से इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल वगैरह या फिनिश गुड अगर ट्रेडिंग बिजनेस है वो परचेज करने की वजह से जिस दिन आपकी जेब से पैसे निकले और फिर वो पैसे वापस आए कस्टमर से इस बीच की ड्यूरेशन को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल राइट डे वेन कैश लीव द बिजनेस ड्यू टू परचेज ऑफ इन्वेंट्री एंड द डे वेन यू गेट दिस कैश बैक फ्रॉम योर कस्टमर इस बीच की ड्यूरेशन को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल अगर किसी बिजनेस का ये ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा लंबा है यानी टाइम पीरियड ज्यादा है तो उसका मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि पैसा ज्यादा अरसे के लिए ब्लॉक है अब आपको तो काम चलाना है राइट आपका अपना पैसा तो ब्लॉक्ड है अब आपका अपना पैसा अगर ब्लॉक्ड है तो आपको तो बिजनेस चलाना है आपको तो खर्चे पूरे करने हैं, तो अब आपको उतने अर्से तक क्या जो कैश है वो खुद मैनेज करना पड़ेगा सो so दैट आप रन करें सो so, ये जो साइकिल है इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा तो जोर कंपनी रॉ मटेरियल को जल्दी फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है राइट? Right? फिर फिनिश को जल्दी बेचती है। और फिर जल्दी कस्टमर से रिकवर करती है तो उसको ज्यादा टेंशन नहीं होगी पैसों ब्लॉक तो होगा, जितने दिन ये पैसा तो वो कम परेशान होगा उसको जल्दी मिलने वाले हैं। आप, 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 आप जबरदस्त आपका परफॉर्मेंस तो की कि आप जैसी रोमरे खरीदते हो फॉरन बिक जाता है राइट right? लाइन लगी होती है है रश लगा होता है। वो जो सुबह पकाएंगे रात तक सब कुछ खत्म हो, कुछ के लिए हो है। हमें एक का आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपके इंडस्ट्री नॉर्म के ऊपर भी सो लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल सो इफ इट्स शॉर्ट नीड लेस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इफ इट्स मोर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट

सही है तो मैनेजमेंट का रिस्क एटीट्यूड क्या है अब नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट व्हाट रिस्क एटीट्यूड पहले पहले एक एक आपको मैं एक चीज बताता हूं कि एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी एक होती है लिक्विडिटी जैसे पानी पीना है और खाना खाना है तो इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना भी खाना है और पानी भी पीना है इसी तरीके से एक बिजनेस के जिंदा रहने के लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी सेम रोल प्ले करती है लिक्विडिटी जैसे खाने के बगैर इंसान ज्यादा रह सकता है पानी के बगैर इतना ज्यादा नहीं रह सकता राइट right? तो इसी तरीके से एक बिजनेस लिक्विडिटी के बगैर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता बट प्रॉफिटेबिलिटी के बगैर कर सकता है तो प्रॉफिटेबिलिटी एक बिजनेस का खाना है और लिक्विडिटी एक बिजनेस का पानी है आप बगैर प्रॉफिट के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो स्टार्ट कर सकते हो अक्सर स्टार्ट ही होता है बगैर कैश के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो यू नीड कैश फ्लो यू नीड लिक्विडिटी पोजिशन टू बी स्ट्रॉग इन ऑर्डर टू स्टे इन द बिजनेस सो लिक्विडिटी इज लिक्विडिटी इज द केपेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम मैं अपनी लाइबिलिटीज जब वो ड्यू हो जाए तो उनको पे करने के लिए कितनी अच्छी पोजिशन में उसका मतलब पोजिशन उतनी अच्छी है और अगर मेरे पास केपेबिलिटी टू पे माई डेथस ऑन टाइम कम हो तो इसका मतलब मेरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम खतरे में है right? राइट अब लेट्स कम टू वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल में मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है क्या मतलब इसका क्या चीज ज्यादा है मेरे पास करंट एसेट की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है राइट इफ आई इन्वेस्ट मोर इन माई वर्किंग कैपिटल वॉट डू यू थिंक माई लिक्विडिटी पोजिशन विल बी बेटर और माई प्रोफिटेबिलिटी पोजिशन विल बी बेटर पोजिशन विल बी बेटर क्यों क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट कहां की हुई है करंट में और करंट एसे में रिलेटिवली कैश कन्वर्जन जल्दी होती है और कैश कन्वर्जन जल्दी होती है लाइबिलिटी तो जल्दी पे कर सकता हूं इफ आई हैकिंग कैपिटल इट मीन मेरी लिक्विडिटी पोजिशन अच्छी है. है ना अच्छा पानी ज्यादा पीना अच्छा है या जितनी जरूरत है उतना पीना अच्छा है अगर आप को प्यास भी लगी और भूख भी लगी है और आपने सारे पैसे से पानी खरीद लिया अब आपकी प्यास एक बोतल की आपने चार बोतल पानी खरीद लिया और वो तीन बोतल का पैसा जो पैसा था वो खाने की बजाय आपने वो भी पानी खरीद लिया और आप बोलो लिक्विडिटी पोजिशन माशाला बड़ी अच्छी है तो सही है नहीं है सही तो लिक्विडिटी पोजिशन सही होने का मतलब ये नहीं है गैर जरूरी आपने करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है चूंकि आपकी लिक्विडिटी पोजिशन आपको बहुत अच्छी चाहिए यू हैव टू मैनेज इट ना आपके पास अगर पैसे है ना तो पानी भी खरीद लो और खाना भी खरीद लो दोनों खरीद लो राइट सो वर्किंग कैपिटल में अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो कौन सी पोजिशन अच्छी है लिक्विटी लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट मोर इन योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसका मतलब आपने पैसा एक प्रॉफिट कमाने वाली जगह से एक प्रॉफिट ना कमाने वाली जगह में रखा हुआ है इन्वेंट्री पड़े पड़े कमा कर तो नहीं देती कैश पड़े पड़े तो कमा के नहीं देता रिसीवेबल में पैसा इन्वेस्ट करके वहां से कुछ मजीद पैसा तो नहीं आने वाला पचास हजार दिए होंगे पचास हजार ही वापस आएंगे तो अगर पचास हजार दस दिन के लिए दिए हुए हैं अलग बात है वही पचास हजार बीस दिन के लिए दिए हुए तो दस दिन के बाद आपको पचास हजार मिलेंगे उसमें कुछ मिलेगा थोड़ी लेकिन अगर वो पचास हजार दस दिन पहले मिल जाए और आप कहीं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दो तो उसपे कमा सकते हो सो लिक्विडिटी इज एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल बी एट द कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी सो अच्छी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कौन सी होती है जो दोनों चीजों में एक बैलेंस रखती हो यानी मैं अगर अच्छे तरीके से वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहा हूं तो उसका मतलब यह होगा कि मैं लिक्विडिटी पोजीशन भी मेरी अच्छी है बेहतर है और मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं एक एक्सट्रीम पे जा चुका हूं दोनों में से किसी एक साइड पे मैं प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में मैंने इतना लो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट रखी हुई है कि इन्वेंट्री की जरूरत पड़ी इन्वेंट्री नहीं थी कैश की जरूरत पड़ी तो पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि मैंने तो बिल्डिंग खरीद के इन्वेस्टमेंट कर दी रेंट पे दे दी मैंने कोई और इन्वेस्टमेंट कर दी जहां मेरा पैसा ब्लॉक हो गया और इधर मुझे लाइबिलिटी पे करनी थी मेरे पास कैश ही नहीं था सो एक अ गुड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी राइट सो लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी का वो आ गया अब लिक्विडिटी बेसिकली रिस्क लिक्विडिटी बेसिकली रिस्क एंड अदर फॉर प्रॉफिटेबिलिटी है तो अगर आप कहते हो यार मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबल होना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा रिस्क रिस्क लेने का मतलब यह कम कैश कम रिसीवेबल कम इन्वेंट्री आपने कहा कोई बात नहीं तो वक्त आएगा देखेंगे फिलहाल इधर इन्वेस्ट करो रिस्क ले आप सो यू हैव टू मैनेज इट राइट सो आपको वर्किंग कैपिटल के अंदर रिस्क एटीट्यूड आपका क्या है अगर मैं एक ऐसा बंदा हूं जो रिस्क लेता है तो मैं वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितनी करूंगा कम करूंगा और वो ऊपर का पैसा मैं कहीं ऐसी जगह लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दूंगा जहां से मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा तो इफ आई हैव अ एटीट्यूड ऑफ अ रिस्क टेकर सो आई माय इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल विल बी लेस मैं ज्यादा कोशिश करूंगा मेरा पैसा लॉन्ग टर्म जगह पे इन्वेस्ट हो जाए आंसर रिटर्न आ रहा प्रॉफिट आ रहा बट इफ आई एम नॉट अ रिस्क टेकर आई एम अ रिस्क अवर्स पर्सन क्या करूंगा मैं अपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा हूँ यार कैश मेरे पास होना चाहिए तो मेरे पास इन्वेंट्री ज्यादा होनी चाहिए कहीं स्टॉकआउट ना हो जाऊ मेरे पास आ, आ, मैं जनरस क्रेडिट पीरियड रख रहा हूँ कहीं कस्टमर जो है ना वो मेरे से भाग ना जाए तो ये ये मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा किसमें वर्किंग कैपिटल में सो ये दो स्ट्रेटेजीज हैं किसकी इन्वेस्टिंग की आइदर इट विल बी अग्रेसिव स्ट्रेटेजी और इट विल बी कंजर्वेटिव सही है सो वर्किंग कैपिटल अब यहां से फर्क शुरू हो गया इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का अब हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में मैंने फैक्टर्स बताए और उन फैक्टर्स में से आखिरी फैक्टर क्या था मैनेजमेंट एटीट्यूड टूवर्ड रिस्क और वो ये है सो इफ मैनेजमेंट इज ग्रेसिव इट मीन वो रिस्क टेकर है और अगर वो रिस्क टेकर है तो क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल में कम इन्वेस्टमेंट करेंगे सो अग्रेसिव स्ट्रेटेजी रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल सो दैट दे मेक मोर प्रॉफिट जब भी आपको अग्रेसिव का वर्ड नजर आएगा ना तो अग्रेसिव हमेशा टल्टिड होगा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अग्रेसिव कोई बंदा गाड़ी अग्रेसिव चला रहा होता है तो क्या करता है तेज चलाता है, है। तेज चला रहा होगा गाड़ी तेज चला रहा होगा राइट बट साथ में क्या हो रहा होगा रिस्क क्रिएट कर रहा होगा इन ऑर्डर टू गेट अर्लियर टू टू डेस्टिनी जल्दी तो अग्रेसिव स्ट्रेटेजी की तरफ होगा क्योंकि कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट मेकिंग तो वो प्रॉफिट तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करेगा मंजिल तक जल्दी पहुंचने अग्रेसिव है जल्दी जल्दी तभी पहुंचेगा जब वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा लेकिन जहां प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा वहां उसको क्या लेना पड़ेगा रिस्क लेना पड़ेगा नो रिस्क नो रिटर्न सो यू हैव टू टेक रिस्क एंड रिस्क कैसे होगा जब आप इन्वेंटरी की बजाय वो पैसा कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो कैश रखने की बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो उधार की केस में आपने बोर्ड बड़ा बड़ा लगाया हुआ है उधार अनंत बड़े शौक से उधार अगले चौक से तो जिस दुकान के ऊपर आपको ये बोर्ड नजर आ जाए कि उधार एक जादू है आपको देंगे तो आप गायब हो जाओगे ये कौन है हैं ये अग्रेसिव बंदा है भाई

low level of or high level of investment in working capital, keeping more cash, keeping more stock and having generous credit terms. So ये फिर वो होगा उसके इस इस, इस strategy में risk कम होगा और profit भी कम होगा liquidity अच्छी होगी। उस strategy में risk ज़्यादा होगा लेकिन profit भी ज़्यादा होगा और लिक्विडिटी थोड़ी सी हल्की कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अब डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्रेशन के ऊपर राइट right? गाड़ी स्पीड से चला रहे हैं कोई स्पीड से चला रहा होगा कोई बहुत स्पीड से चला रहा होगा कोई पागलों की तरह चला रहा होगा राइट सो लेवल्स हैं एग्रेशन के भी सो दीज आर द टू स्ट्रेटजीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज हैं तो अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर नोट लिखने को कह रहा है तो हाउ विल यू राइट इट फर्स्ट यू विल हैव टू स्टार्ट विद द लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि वो जो कैश ज्यादा नहीं रख रहा वो कैश कहीं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रिटर्न ज्यादा कमाएगा अभी हाँ, बताता हूं इन्वेंट्री की रखने की वजह से आप कस्टमर नहीं करते हो बेचने की वजह से करते हो तो जितना बेच सकते हो उतना रखो ना जितना बेच सकते हो उतना रखोगे तो रखो तो रखो आपको लगता है बेच सकते हो तो रखो पर इन्वेंट्री रहेगी ना इन्वेंटरी इन्वेंट्री कब रहेगी जब जितना बेच सकते हो उससे ज्यादा रखते हो उससे ज्यादा रखा हो आपने अपने एहतियात की वजह से वो बिकता नहीं है वो वो लॉस ही दे रहा है ना है ना वो जो उससे ज्यादा आपने रख लिया था वो आपने एहतियातन रखा हुआ था लेकिन नहीं हुआ तभी तो वो इन्वेंट्री रही इसका मतलब ये ये आपकी सोच थी कि आप ये भी बेच दोगे आएगा बंदा उस सोच के साथ आपने रखी थी अगर वो बिक जाती तो फिर इन्वेंट्री होती ही नहीं तो फिर तो रखी नहीं ना इन्वेंट्री आपने आपने उतना ही रखा जितना आप बेच सकते थे लेकिन अगर वो बिकना नहीं था और आपने सोचा था कि ये बिक जाएगा तो इसका मतलब आप कंजर्वेटिव सोच रख रहे हो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज रखी हुई थी एहतियातन कि शायद कस्टमर आ जाएगा फिर मैं उसको बेचूंगा वो तो आया नहीं इसका मतलब यू वो टू मच कंजर्वेटिव आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे उसको रखने के लिए इसी को कंजर्वेटिव कहते हैं हाँ, तो आपने सेफ आपने रखा ना आप सेफ साइड पे रखे ना आपने इन्वेंट्री सेफ साइड पे रखी उसकी कॉस्ट बेयर कर रहे हो उस सेफ्टी की आप क्या बेयर कर रहे हो कॉस्ट बेयर कर रहे हो सही है तो अब वो जो एक्स्ट्रा आपने रखा था उसकी तो कॉस्ट आई ना प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ी प्रॉफिटेबिलिटी तो सिर्फ उससे मिलेगी जो बिक जाएंगे और जो बिक जाएगा वो इन्वेंट्री नहीं है मैं एक महीने जनवरी के महीने की बात कर रहा हूं हूँ आपको लगता है जनवरी के महीने में आपको लग रहा था हजार शायद मैं बेच दू शायद राइट और मैंने पंद्रह हजार रख दिया लेकिन मैं सिर्फ दस बेच पाया तो मुझे जो प्रॉफिट मिला होगा वो कितने यूनिट्स का मिला होगा उस पांच हजार का जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था ये मेरे एहतियातन एक तरह से रख लिया था कि आ जाएंगे पांच हजार यूनिट से मुझे प्रॉफिट नहीं मिलना उन पांच हजार की मैंने पूरे महीने कॉस्ट बेयर की है अगर वो ना होते वो पांच हजार यूनिट्स मेरे स्टॉक में और एग्जैक्टली कितने होते हैं दस हजार तो मेरे प्रॉफिट ज्यादा होता है या मेरे पास पंद्रह हजार होने और दस हजार बिकने का प्रॉफिट ज्यादा है अगर की बात करो ना तो सेफ खेल रहे हो ना आप अगर बिक जाते देखे अगर पंद्रह बिक जाते तो इसका मतलब हम पंद्रह हजार रखते सकते एग्रेसिव कैसे हुए या कंजर्वेटिव कैसे हुए फिर तो हम नॉर्मल हुए के रख है। अब मुझे, मुझे पता है कि ठीक है कि इतना एहतियात कर रहा हूं कि मैंने अपनी दस जो नॉर्मली बिकते हैं उससे भी ज्यादा रख दिए है तो ये एहतियातन रख रहा हूं ना तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी बढ़ेगी नहीं अच्छा So, ये अब अब एग्जाम के अंदर जब आपके पास इसका आंसर लिखने को आएगा ना तो पहले आपने हमेशा क्या एक्सप्लेन करना है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी है क्या और इनके दरमियान कॉम्पिटिशन इनके क्या है इनके दरमियान ट्रेड ऑफ क्या है ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते इनमें से कोई एक चीज आप एक एक्सट्रीम पे ले जा सकते एक वक्त में या मैनेज कर सकते हो बैलेंस कर सकते हो तराजू तराजू की तरह है ना सो so, अगर ये वाली साइड बाहरी होगी तो ये ऊपर चली जाएगी ये ये नीचे आएगी, ऊपर, so, और एक है बैलेंस, नहीं हो सकता कि दोनों दोनों ऊपर जा रहे दोनों, नीचे आ रहे हो नहीं हो सकता यू कैन अ बैलेंस और यू कैन गो टू द टू तो लिक्विडिटी एंड बताना बताने राइट right? उसके बाद फिर आपने कनेक्शन जोड़ना है कि जिस स्ट्रेटजी में आप किस तरफ जाते हो आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हो वो कौन सी स्ट्रेटजी है वो एग्रेसिव स्ट्रेटजी है और उसमें आप करोगे क्या उसमें आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम करोगे फिर आपको एक्सप्लेन करनी है ना अगर आप किसी को कहते हो अग्रेसिव तो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी क्या मतलब एग्रेसिव सो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी वन विच इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड अंडर एन एग्रेसिव स्ट्रेटेजी

So, उसमें क्या होगा इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी दे विल मार्क्स का क्वेश्चन तो आ सकता है और इसमें आपको इन्हीं हिस्सों में पहला हिस्सा क्या है प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी एक्सप्लेन करके इनके बीच में जो कंपटीशन है उसको डिफाइन करना है कि कैसे इन दोनों के दरमान कंपटीशन है एक दूसरा फेज फिर आपने बताना है कि अब इस सिचुएशन में आइदर आइदर द मैनेजमेंट स्टिल्स प्रॉफिटेबिलिटी और इट विल्स लिक्विडिटी टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी इट मीन इट इज फॉलोइंग स्ट्रैटी एंड इफ इट्सिव स्ट्रेटेजी इट विल कीप लोअर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एंड विल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोफिटेबल ऑप्शन On the other hand, if it's tilted towards liquidity, it will have low level, high level of investment in working capital. It will prefer to keep more cash rather than investing in long term, more inventory, and more generous credit terms. That's it. You have explained. That's it. 18 sections. you have to explain question. Karna hai. Clear? Hai? Financing. Financing. What is financing? अब जो ये अपने फैसला कर लिया इन्वेस्टमेंट का कि इतना पैसा रखना है अब अब आप थे या कंजर्वेटिव थे अब फैसला हो गया ज्यादा रखना है या कम रखना है जितना भी रखना है अब वो आएगा कैसे पैसा अब नाउ यू हैव यू हैव टू चॉइसेस राइट व्हाट आर दो चॉइसेस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस

एक बंदा कहता है मुझे सिर्फ तीन महीने के लिए पैसे चाहिए और आपने अपने जहन में एक परसेंटेज उससे लेनी है राइट जिसको भी पैसे दोगे उससे एक परसेंटेज लोगे भाई मुझे इतना परसेंट दोगे राइट एक बंदा कहता है मुझे पांच साल के लिए चाहिए सोचे सुनिए और से मैं आता हूं आप तो कहता हूं भाई मुझे एक लाख डॉलर दे दें बट मुझे सिर्फ तीन महीने के लिए चाहिए एक बंदा आता है मुझे कहता है आपको कहता है एक लाख डॉलर चाहिए और आपको पता है एक लाख डॉलर या मुझे दे सकते हैं यहाँ उसको दे सकते हैं मैं कितने ऐसे के लिए मांग रहा हूं तीन महीने के लिए वो मांग रहे हैं पांच साल के लिए राइट आपके जहन में इंटरेस्ट रेट होगा क्या आप मुझसे और उससे एक जितना इंटरेस्ट रेट मांगोगे नहीं किससे ज्यादा मांगोगे अच्छा एक मिनट रुक जाए आप सोचिए आपके पैसे हैं राइट अगर आप सोचोगे किसी और के पैसे हैं तो फिर आप अलतू फालतू फैसले करोगे इंसान अपने फैसलों के बारे में ज्यादा बेहतर फैसला करता है थोड़ी देर के लिए सोचिए आपके अपने पैसे आपके पास इस वक्त एक लाख डॉलर पड़े हुए मैंने तीन महीने के लिए मांगे और अगला मांगला है पांच साल के लिए। कहते हैं पांच साल के लिए दे दो पैसे आप किसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट कोट करोगे अच्छा आप में से कौन कौन पांच साल वाले को ज्यादा रेट कोट करेगा एक दो तीन चार क्यों हाँ हाँ देखे देखे भाई बात सुने आप अगर मुझे ज्यादा रेट कोट करते हो और उसको कम रेट कोट करते हो तो मैं पागल हूं आपको तीन साल के लिए मांगू मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है मैं भी पांच साल के लिए हूं अब अब आपको अब आप मेरे साथ कितने साल के लिए कमिटेड हो गए हो पांच साल के लिए सेम रेट पर है ना और मेरे को यार रेट भी कम है और कमिटमेंट भी पांच साल की कर रहा है कि पांच साल तक पैसे नहीं मांगेगा खुल के खेलूंगा पांच साल तक इसके पैसों पर तीन, साल, तीन, तीन महीने के बाद मुझे टेंशन होगी इसके पैसे वापस करने समझ में आ रही है तो एक रिस्टोस का, का आप मुझे प्रॉपर्टी फलाना फलाना तीन महीने में कुछ भी करके किधर तक ले आएगा वो तो पांच साल में तो बेड़ा घर कर सकता है प्रॉपर्टीज का पता नहीं क्या क्या डिसीजन लेके सारी प्रॉपर्टी खत्म कर दे और मैं आखिर में बैठा हूँ मेरे पैसे ही नहीं आ रहे हो एक दूसरी बात यह कि इन पांच सालों में पता नहीं मुल्क में कितनी महंगाई हो क्या क्या हो रहा हो क्या क्या मसले आ, आ जाएं। और पांच साल तक फिर आप इस बंदे से मजीद रेट नहीं ले सकते हो अब पांच साल तक की अनसर्टेटीज को कवर करना है आपने समझ में आ रही है बात हुकूमत का है बहुत सारे इश्यूज आते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस है कोरोना क्राइस है, है पता नहीं क्या क्या पांच सालों में आप तीन महीने में तो आप बोलो यार क्या क्या आ जाएगा यार तीन महीने तो है या, इन्फ्लेशन आ सकती है ना तीन महीने तक की और पांच साल की प्रोजेक्शन में बड़ा फर्क है यार तीन, तीन महीने और पांच साल बहुत फर्क है प्लानिंग का आपके पास पता नहीं कौन कौन सी इस दौरान अपॉर्चुनिटीज आ जाए तो पांच साल तक आप वो कोई अपॉर्चुनिटीज उसे एक लाख डॉलर से नहीं ले सकोगे क्यों क्योंकि गए पांच साल के लिए पैसे तीन महीने में तो ये होगा कि यार तीन महीने में क्या अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी अगर आ भी नहीं तो अभी पता होगा तो देख लूंगा उसी को देखकर कर लूंगा बट तीन महीने के बाद मुझे पैसे अगर कोई आ भी जाती है फॉर एक्साम्पल प्रॉपर्टी मैं जो खरीदनी है उसको बोलूंगा यार एक महीने रुक जाओ मेरे पैसे आने वाले दो महीने रुक जाओ मेरे पैसे आने वाले उधर क्या साल तक रुकूंगा कौन कौन रुकेगा मेरे लिए पांच साल तक के लिए सो याद रखिएगा जब लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करोगे इंटरेस्ट रेट क्या होगा ज्यादा होगा इट इज मोर एक्सपेंसिव टू फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स यू हैव टू पे मोर इंटरेस्ट राइट शॉर्ट टर्म सस्ता होता है बट हर चीज की कॉस्ट होती है आप सोचे मैंने अगर लॉन्ग टर्म से फाइनेंस किया है तो कॉस्ट क्या है द हायर इंटरेस्ट रेट बट वॉट इज द बेनिफिट लॉन्ग टर्म से क्या क्या फायदा है मुझे पैसे मुझे वापस जल्दी नहीं करने हैं तो मेरी कौन सी पोजीशन अच्छी हो जाएगी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी हो जाएगी मुझे पैसे जल्दी वापस नहीं करने हैं मेरी लिक्विडिटी पोजीशन ज्यादा हो जाएगी कि मेरी कॉस्ट कॉस्ट ज्यादा होगी प्रॉफिट कम हो जाएगा सो इफ आई चूज आई चूज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम और मेरी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी हो जाएगी इफ आई चूज लॉन्ग टर्म सोर्स एज अ फाइनेंस फॉर माइ सेल्फ आई विल हैव वन थिंग इन माई माइंड कि मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कॉस्ट ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट कम लेकिन मुझे पांच साल की टेंशन खत्म मुझे पांच साल तक रिपे नहीं करना तो मेरे पास जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है इन केस तीन महीने के बाद वापस करने वो नहीं आएगी मुझे पांच साल पड़े हुए मेरे पास उस पैसे को अरेंज करने के लिए तो लिक्विडिटी अच्छी हो जाएगी बट प्रॉफिट कम हो जाएगा मैं कौन सा चूज चूज करूंगा लॉन्ग टर्म चूज करूंगा राइट right? और अगर मैं शॉर्ट टर्म चूज करता हूं तो कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा बट प्रॉब्लम आ सकती है कि दो महीने के बाद या तीन महीने के बाद अगर ये पैसे वापस करने और पैसे ना हुए तो इतना कम टाइम है अरेंज करने के लिए समझ आ रही बात ओके इफ यू आर अग्रेसिव इफ यू आर एग्रेसिव विच सोर्स ऑफ फाइनेंस यू चूज शॉर्ट टर्म टिल्ट विल बी विल्स शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एज इट लीड टू मोर प्रॉफिटेबिलिटी बट रिस्क होगा लिक्विडिटी का समझ आ बात but if you are conservative you do not want to take risk you do not want to be in stress what will you choose long term source of aapka tilt kis ki taraf hoga long term source of finance ki taraf hoga ke theek hai thodi cost zyada hi hogi na sukoon to hoga टेंशन तो नहीं होगी तीन महीने के बाद पैसे वापस करने थोड़ी सी cost ज्यादा होगी थोड़ी सी profit मेरा कम हो जाएगा but risk नहीं होगा मेरा So your tilt will be towards Liberty. यहां तक बात समझ आती है देख लीजिए सो इन इफ यू आर इफ यू चूज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस वॉट हैपन लो कॉस्ट हाई रिस्क रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हाई कॉस्ट लो रिस्क डिफॉल्ट रिस्क लो है ड्यूरेशन ज्यादा है टाइम ज्यादा मिलेगा रिपे करने के लिए सो यू कैन अरेंज इन एनी वे प्रॉपर्टी बेच सकते हो कुछ भी कर सकते हो अगर अभी प्रॉपर्टी कीमत अच्छी नहीं चल रही अपने का वेट कर लेते हैं थोड़ा महंगी हो जाएगी तब तक सही हो जाएगी अभी टाइम है मेरे पास बेच देंगे बेचनेट टर्म सोर्स के इंटरेस्ट रेट कम होता है इसीलिए कम होता है ना क्या बोलते हैं दो तीन महीने के लिए तुम मांग रहे हैं तो आप जितने ले सकते उतने ले लो कम बस इसी से रिलेटेड लास्ट एरिया आज का अब मैं आपको बताता हूं कि इधर इधर तीन स्ट्रेटेजीज़ हैं कितनी है तीन है क्या क्या है इन्वेस्टिंग कंजर्वेटिव वहां कितनी थी दो तीन अब आपको फर्क और कॉमनलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट कह, क्या -क्या -क्या आर इतना नहीं है कॉमन मैंने जब डिस्कस मैं जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आज का आपका असाइनमेंट है बेसिकली क्या आपने इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज एंड डिफ्रेंसिस के ऊपर एक नोट लिख कर आना है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी सॉरी फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजीज एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज ये आज का आपका असाइनमेंट है बेसिकली कि इन दोनों में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंट है गूगल क्लासरूम पे लिखा हुआ होगा वो मैं बता दूंगा गूगल क्लासरूम पे लिखा हुआ होगा मैं आपको रिक्वायरमेंट आज लिखवा भी दूंगा एटलीस्ट कि आप टाइप करके रख लो एटलीस्ट जैसे ही आपको गूगल क्लासरूम का एक्सेस मिल जाएगा आप उसको अपलोड कर देंगे

लॉन्ग टर्म और मैचिंग कोई बीच की चीज होगी देखते हैं क्या है राइट right? सो so, यहां आते हैं वर्किंग कैपिटल हमेशा याद रखिए इसके दो पार्ट होते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल आपको लगता है इन्वेंट्री पूरे साल एक लेवल पे चाहिए होती है जैसे इन्होंने कहा था सवाल था सवाल दिस किया नहीं ना यू डोंट नीड वर्क इन्वेंट्री एट द सेम लेवल थ्रू आउट द ईयर स्पेशली इफ यू आर अ सीजनल बिजनेस

पचास हजार आपको कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए सो so, तो चाहिए चाहिए और कभी ऐसा वक्त आता है कि आपको पचास हजार की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही होती है क्योंकि आपका सीजन आ रहा है पीक सीजन आ रहा है तो ऐसा टाइम भी आता है पचास हजार तक चला जाता है कभी तीस पे रहता है फिर पचास तक चला जाता है पचास हजार एटी थाउजेंड तक चला जाता है फिर अच्छा ये जो ऊपर के पचास हजार ये नहीं है कि पचास रहते हैं बट पचास तक मजीद चाहिए हो सकता है तो कभी ऐसा होता है अस्सी पे चला जाएगा कभी साठ सत्तर बत्तीस तक रहता ही रहता है तो आपको करना क्या होता है आपको पहले देखना होता है कि वट इज योर परमानेंट वर्किंग कैपिटल लेवल एंड वट इज योर फ्लक्चुएटिंग वर्किंग तो हर मैनेजमेंट को अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी फोकास्टिंग टेक्निक्स यूज करके डिटर्मिन करना होता है कि इसका परमानेंट कितना है और अब देखिएगा अग्रेसिव स्ट्रेटेजी में किसकी तरफ टिल्ट होता है किसकी तरफ होता है शॉर्ट टर्म की तरफ बार बार शॉर्ट टर्म की तरफ ठीक है अच्छा अब आप मुझे बताओ आपका जो फ्लक् फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल है राइट right? आप अपनी आ, आप उसको रखो कि आपको कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए राइट इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन नॉट एग्रेसिव एंड नॉट कंजर्वेटिव इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल जो कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए उसको किससे फाइनेंस करोगे अरे किससे फाइनेंस करोगे दो सोर्सेज कौन से हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में से शॉर्ट टर्म से क्यों क्योंकि यू आर नॉर्मल यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू नो दैट ये पचास हजार परमानेंटली जब चाहिए नहीं तो मैं एक फिक्स लाइबिलिटी क्यों पा उसके लिए जब जरूरत पड़ेगी शॉर्ट टर्म ले लूंगा फिर वापस कर दूंगा फिर काम चलाऊंगा फिर जब जरूरत पड़ेगी फिर खरीद लूंगा फिर वापस कर दूंगा ऐसे ही करूंगा ना यू आर नॉर्मल पर्सन इफ यू आर अर्मल पर्सन यू विल फाइनेंस कौन सा वाला फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल राइट एंड इफ यू आर एग्रेसिव फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं अभी वही रहेगा एक नॉर्मल आदमी जब शॉर्ट टर्म से कर रहा है हैं तो करेगा विल फाइनेंस तो फ्लक्चुएटिंग थ्रू शॉर्ट टर्म राइट? So, person, term, राइट अब आते परमानेंट पर अगर आप नॉर्मल आदमी हो और आपको पता है मुस्तकिल आपको तीस हजार चाहिए उसको आप कैसे फाइनेंस करोगे लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म से

एग्रेसिव हो पागल नहीं हो पागल वाली साइड नाइन में कवर्ड नहीं है राइट यू आर एग्रेसिव यू आर नॉट पागल अब आप क्या करोगे एग्रेसिव हो तो क्या करोगे फ्लक्चुएटिंग किससे करोगे और uh, नॉर्मल तो हो गए हो एग्रेसिव किस बात के हो दोनों शॉर्ट टर्म से कर लोगे तो पागल हो गए पागल नहीं होना है मैं बताता हूं ना आप फ्लक्चुएटिंग तो शॉर्ट टर्म से करोगे बट जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसका एक हिस्सा शॉर्ट टर्म से कर लोगे एक हिस्सा लॉन्ग टर्म से करोगे इतना भी पागलपन क्या है यार जब आपको पता है मुस्तकिल तीस हजार चाहिए और आपने कहा पूरे पूरे तीस हजार भी किससे कर लो शॉर्ट टर्म से कर लो जानते हुए कि यार की जरूरत है तो ये पागलपन है ये अग्रेसिव एग्रेसिव नहीं है समझ में आई बात आप क्या करोगे परमानेंट में से एक हिस्सा किससे करोगे शॉर्ट टर्म से करोगे और एक हिस्सा लॉन्ग टर्म से अब कितना एग्रेसिव हो उतना ज्यादा आप शॉर्ट टर्म से करोगे बट वंस आ रहा वंस आपने अपना परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो नॉर्मली किससे फाइनेंस होता है लॉन्ग टर्म से उसमें से भी एक हिस्सा किससे कर लिया तो आप किस कैटेगरी में आ गए हो एग्रेसिव में आ चुके हो नॉर्मली इट शुड बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म बट आप कहते हो यार थोड़ा सा शॉर्ट टर्म से कर लेते हैं तो अब आप, आप किस कैटेगरी में आ चुके हो एग्रेसिव अब जितना ज्यादा शॉर्ट टर्म की तरफ आपका परमानेंट वाला जाएगा उतना आपका मतलब एग्रेसिव हो तो व्हेन यू हैव एन एग्रेसिव स्ट्रैटेजी यू फाइनेंस योर परमानेंट फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल थ्रू शॉर्ट टर्म एंड यू आल्सो फाइनेंस सम पार्ट ऑफ योर परमानेंट वर्किंग कैपिटल थ्रू शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म कितनी दफा आ रहा है दो दफा आ रहा है लेकिन ये पूरा शॉर्ट टर्म नहीं होगा यार ये तो बहुत ज्यादा मतलब ब्लाइंड रिस, ऐसा रिस्क है कि इसका कंफर्म ही कोई ना कुछ मसला हो जाएगा आपको लिहाजा योर परमानेंट वर्क कैपिटल हम नहीं डिसाइड करेंगे हर बंदे की अपना अपनी अपनी रिस्क लेवल होता है मैनेजमेंट का रिस्क लेवल क्या है वो क्या चाहते हैं इट्स देर इज नो साइंटिफिक रूल ऑफ डिसाइडिंग ये मैनेजमेंट एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं कुछ नहीं होंगे अच्छा अब सिर्फ दो मिनट एक काम करें ऊपर कंजर्वेटिव लिखें राइट ऊपर क्या लिखें कंजर्वेटिव फ्लक्चुएटिंग लिखें परमानेंट लिखें और ये आप फिल करें इफ कंजर्वेटिव होगा तो ये वाला हिस्सा आप फिल फिल करें रजिस्टर पे जुबानी नहीं रजिस्टर पे ये पूरा बनाए ये जो पूरा है ये बनाए सिर्फ ये वाला हिस्सा आपने फिल करना है कंजर्वेटिव के हिसाब से डाक्टर एक बंदा मुस्तैदी मुस्तैदी लग रहा सिग्नल आ गया गाड़ी रोकनी पड़ेगी राइट टेस्ट ला रहे थे गाड़ी रोकनी पड़ेगी गाड़ी सामने आके शो करनी पड़ेगी सो अग्रेसिव बी बट जरूरी अग्रेसिव इधर सब कोर्ट सारे समझ में नहीं फेस नोबडी कैन बी अग्रेसिव एवरी टाइम स्थिति नॉर्मल स्थिति में आप एग्रेसिव हो जाएंगे जस्ट थोड़े टाइम के लिए आप एग्रेसिव हो हैं नॉर्मली कंसिवेटिव बच्चे थोड़े टाइम के लिए आप कंसिवेटिव बच्चे नॉर्मल निकल सी बच्चों की से बात करें अच्छे से करवाओ, बढ़ते ना लगा नहीं पड़ा। बाकी कड़ी, इनको फैक्टिकल एस्पेक्ट्स से करें। यू आर द मैनेजर, यू आर मैनेजिंग, यू आर एक फेल्ट कैंसलेटिव पर्सन। और शॉट भी हो जाएगा चेक है यानी एक तरह से आपने परमानेंट को टच कर लिया इससे शॉर्ट टर्म से तो आप अग्रेसिव की कैटेगरी में आ चुके हो चाहे 1 डॉलर या कितनी जॉब के लिए बोल रहे हो अब अमाउंट बढ़ाते जाओगे इस हिसाब से आप ज्यादा अग्रेसिव हो जाओगे वांस यू हैव डिसाइडेड कि परमानेंट में से कुछ इस शॉर्ट टर्म से करना है तो उसका मतलब अग्रेसिव हो गया यार

वो कहता है वो इतना कंजर्वेटिव है वो कहता है फ्लक्चुएटिंग मुझे पता है कभी कभार जरूरत पड़ती है फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता मैं उसमें से भी कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करूंगा उसमें से भी कुछ लॉन्ग टर्म से करूंगा हालांकि जानता हूं कि इसमें ये, ये परमानेंटली नहीं चाहिए फिर भी मैं कहूंगा मैं कंजर्वेटिव हूं तो मैं कहूंगा भाई मैं इतना भी रिस्क देख नहीं, नहीं सकता इसको भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म से करूंगा क्या आप पता ज्यादा अरसे के लिए चाहिए हो आगे और मेरे पास पैसे नहीं हो तो मैं मैंने कहां से वापस करूंगा तो इसको भी लॉन्ग टर्म से हाँ मैं शॉर्ट टर्म से करूंगा बट थोड़ा सा कर लूंगा ज्यादा कर लूंगा कम करूंगा लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा फ्लक्चुएटिंग का भी लॉन्ग टर्म अब ये डिपेंड करता है हाउ कंजर्वेटिव आई एम सो जब जितना लॉन्ग टर्म पोर्शन इसमें से ज्यादा बढ़ता जाएगा इतना मैं ज्यादा कंजर्वेटिव हूं लेकिन एक दफा मैं परमानेंट जो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल में भी लॉन्ग टर्म पे आ गया एक दफा मैं फ्लक्चुएटिंग में भी लॉन्ग टर्म पे आ गया एक डॉलर के लिए आया दस डॉलर के लिए आया ज्यादा के लिए आया मैं किस कैटेगरी में आ गया, के में आ गया अब कितना ये करता है वर्किंग कैपिटल इज बीन फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म टिल किसकी तरफ है नहीं किस की तरफ है लॉन्ग टर्म की और लॉन्ग टर्म की तरफ क्वान होता है कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी समझ में आई बात जी तो बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल पूरा ले और देखिए शॉर्ट टर्म कितना परसेंट है लॉन्ग टर्म कितना परसेंट है ज्यादा बड़ी परसेंटेज किसकी तरफ है ये आता है क्वेश्चन आया भी अभी करवाऊंगा जी कौन सी हाँ अगर अगर देखो अगर फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल जो मुझे पता है कभी जरूरत है कभी नहीं है मैं उसमें से भी एक हिस्सा किससे फाइनेंस कर रहा हूं लॉन्ग टर्म से हालांकि जरूरत मेरी लॉन्ग टर्म की नहीं है फिर भी मैं सोचना शुरू हो गया अब मैंने सिर्फ एक डॉलर भी फ्लक्चुएटिंग में से लॉन्ग टर्म से कर लिया तो मैं क्या हो गया हूं कंजर्वेटिव हो गया हूं बट कम हूं दो डॉलर करूंगा थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव हो गया अब जितना मैं लॉन्ग टर्म से ज्यादा फाइनेंस कर रहा फ्लक्चुएटिंग को उतना ज्यादा मैं कंजर्वेटिव हूं राइट नाउ टेल मी वट 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 यू विल डू एज अ मैचिंग पर्सन मैचिंग स्ट्रेटी करोगे यानी नॉर्मल वाली करोगे फ्लक्चुएटिंग किससे करोगे कंप्लीटली शॉर्ट टर्म परमानेंट कंप्लीटली लॉन्ग टर्म ये मैचिंग स्ट्रैटेजी है हा मैचिंग स्ट्रैटेजी का मतलब जरूरत के साथ मैच करो फ्लक्चुएटिंग की जरूरत क्या है परमानेंट रेगुलर लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करो और परमानेंट की जरूरत क्या है लॉन्ग टर्म है लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करो पूरा पूरा कोई पोर्शन वोर्शन नहीं है ना कोई पोर्शन नहीं है

गूगल क्लासरूम पे भी असाइनमेंट है और वैसे भी लिख लें ताकि अगर एक्सेस नहीं भी मिला हो तो आपने लिख कर आना है ये वर्ड पे टाइप करना है आपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे टाइप करना है आपने ठीक है लिखिए डिस्कस डिस्कस डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ वर्किंग कैपिटल डिस्कस डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिट्वीन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ वर्किंग कैपिटल ठीक है बेहतर तरीके से एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से कोशिश कीजिएगा फिर उसके ऊपर आपको असाइनमेंट मिलेगा उसके ऊपर रिमार्क्स आपको मिलेंगे ठीक है क्या okay, आपने क्या गलती की है फिर उसको देखिएगा फिर अपनी गलती ठीक जाएगा नेक्स्ट टाइम जब असाइनमेंट मिले उसको सामने रखिएगा नहीं अभी कुछ नहीं करना है अभी आपको कुछ नहीं करना है गूगल क्लासरूम के ऊपर जी उसके ऊपर आपको अपलोड करना है गूगल क्लास का लिंक मैं आपको दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सो मेक श्योर दैट यू पीपल आर एडिड टू द व्हाट्सएप ग्रुप एज सुन एज पॉसिबल सर सर फाहीं, सर विल एड यू अच्छा हमारा जो शेड्यूल है वो है मंडे वेडनसडे एंड सैटरडे सो वी आर ऑन वेडनसडे आज है तो आपकी क्लास हमारी सैटरडे को हो रही है सेम टाइम आई बिलीव इन सुबह सुबह की क्लास हाँ सवाल जो है वो मैं लिख देता हूँ आपके चैट में 6 मार्च को तो क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल में रेट्स एक्सीलरेट चेंज हो जाएगा टैक्स सियर चेंज हो जाएगा और सेट चेंज